أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنة يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العظيم سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وہ تمام ناظرین جو اس وقت اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر ٹی وی ون کی یہ نشریات دیکھ رہے ہیں نور رحمان عشق رمضان آپ سب کو اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید اور السلام علیکم میں ہوں سنم جنگ اور آج الحمدللہ پاکستان بھر میں تمام مسلمان اپنا نواں 9th روزہ اختیار کر چکے ہیں اور انشاءاللہ روزہ افطار بھی کریں گے اور الحمدللہ ہمارا جو رمضان ہے ماہ رمضان اس کا دوسرا جمعہ ہمیں نصیب ہو گیا تو آپ سب کو بہت بہت جمعہ مبارک ناظرین اکثر میں یہ سوچتی ہوں لوگ سوچتے ہیں یہ تقویٰ ہے کیا تقویٰ ہوتا کیا ہے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ کیا کبھی تم کسی بھی کانٹے دار رستے سے گزرے ہو تو جواب آتا ہے کہ ہاں تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو کانٹے دار رستہ ہے اس سے کیسے گزرتے ہو تو وہ جو شخص ہے جس نے سوال پوچھا وہ جواب دیتا ہے کہ میں اپنے آپ کو سمیٹ کر خیال سے اس جگہ سے گزرتا ہوں تاکہ کہیں مجھے کوئی کھروچ نہ لگ جائے کہیں میرے کپڑے پھٹ نہ جائیں خراب نہ ہو جائیں کانٹے میں پھنس کے تو آپ فرماتے ہیں کہ یہی ہے تقویٰ اس دنیا میں جو دنیا میں خود کو اس طرح بچا لے سمیٹ کے کہ برائی اور خواہشات کے کانٹے اس کے دامن کو خراب نہ کریں تو وہ تقوی والا ہو گیا مطلب آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت طریقے سے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے
अब अगर हम आजकल अपने इर्द गिर्द देखें, मेरे और अपने आप के बारे में अगर हम लोग सोचें, अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर गौर करें, फ़िक्र करें, तो हमें रोज़ाना कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी या नज़र आएंगी जिससे हम उस वक्त नहीं लेकिन बाद में सोचते ज़रूर है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए, जब आप रात को लेटते हैं तो एक पूरा जो दिन रिवाइंड होके आपके सामने आता है, आप सोचते हैं। और अगर आप नहीं सोचते तो आपको सोचना चाहिए कि मैंने पूरा दिन क्या किया, मैंने किससे अच्छे से बात की, मैंने किसका दिल दुखाया, मैं किससे माफ़ी मांगूँ, मैं क्या शायद मेरे माफ़ी मांगने से किसी का दिन अच्छा गुजर जाए, क्या मैंने किसी को तकलीफ़ पहुँचाई। आजकल हम में बहुत गरूर आ गया, तकब्बुर आ गया, जो अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई अपनी हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तकवा ये है कि तुम हर किसी को खुद से बेहतर समझो। मगर ये चीज़ हम किसी को खुद से बेहतर ना समझते हैं, ना समझना चाहते हैं, ना ही देखना चाहते हैं कोई हमसे बेहतर हो। हम में तकब्बुर है, हम सोचते हैं किसी में खूबसूरती की वजह से गुरूर है या तकब्बुर। कोई अपने ख़ानदान पे तकब्बुर करता है, फ़ख्र करता है, कोई दौलत पे करता है, मतलब कोई अपने काम पे करता है, कोई अपने हुनर पे करता है। तो हम लोग किसी ना किसी तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं और हम सब अपनी बैटल्स लड़ रहे हैं और स्ट्रगलिंग फेज़ में। लेकिन जब ये अल्लाह ताला हमें मुबारक महीना नवाजता है तब हम जाके रियलाइज़ करते हैं कि यार ये मुझसे गलती हो गई। और यकीन जाने 9 दिनों में मुझे तो अपने अंदर चेंज महसूस हो रहा है। छोटी छोटी नेकियां करने की कोशिश, या गुस्सा ना करें, या बात को पी जाएं, या बात को जब्त कर लें, अगर हम आम जिंदगी में ये काम करने लगे तो मेरे ख्याल से जो रोड रेज है और आम मसाइल हैं जो बड़े प्यार से, तहम्मुल से, खामोशी से हल हो सकते हैं, काफ़ी दफ़ा तो आप देखें फैमिलीज टूट जाती हैं। लोग क्या कहते हैं, अब चलो ईद आई है, सब गिले शिकवे माफ़, मिलते हैं, कुछ नहीं होता। अरे बेटा देखो, जब ईद आती है सबको माफ़ कर देते हैं। हम यही बातें बड़ों से सुनते आए और हम ये अपने बड़ों को भी कहते हैं, अरे भाई ईद आई, आप माफ़ कर देना, उन फुप्पो से बात कर लें, खाला को कॉल कर लें, कोई बात नहीं। आप 11 महीने पूरा साल अपने रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ कर बैठे हैं क्योंकि आपको गुस्सा है, आपकी अना है, और उसने ये कर दिया, मैं उसको माफ़ नहीं करूँगा। मगर आप जब जानमाज पर बैठते हैं और दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, आंसू बहा के कहते हैं यार अब तू मुझे माफ़ कर दे, तो फिर अल्लाह सुबहाना ताला से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे। मगर हम एक बंदे को माफ़ नहीं कर सकते क्योंकि हमें उसकी एक बात पसंद नहीं आई। और हम नाफरमान लोग रोज़ाना क्या क्या चीज़ें करते हैं। तो बस आज जुमा है तो मेरा दिल चाह रहा था ये सारी बातें आपसे करने का। और ऑब्वियसली जो भी बातें मैं कहती हूँ, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मैं खुद यहाँ सीखती हूँ आप सबके साथ, आपके सवालात से ये सारी बातें मैं भी सीख रही होती हूँ इधर, तो मैं खुद पे भी अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि जो मैं कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी में वो थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूँ। इसके साथ, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, हमारी ट्रांसमिशन का आगाज़ हुआ कुरान हकीम की तिलावत से हाफिज़ वलीद हसन की खूबसूरत आवाज़ में। और अब मेरे साथ मेरी दोस्तें यहाँ मौजूद हैं जो बहुत प्यारी लग रही हैं और बिल्कुल मेरी जैसी लग रही है, या फिर मैं उनकी जैसी लग रही हूँ। और आज उन्होंने असमाउल हुस्ना पेश किया, बड़े ही खूबसूरत अंदाज से पेश किया, जज़ाकअल्लाह जी। लेकिन अब मेरे ख्याल से वक्त हुआ है ब्रेक का, पर मैं चाह रही हूँ कि हम जुम्मे का दिन है, मुबारक दिन है, तो हम दुरूद पाक के साथ ब्रेक की तरफ बढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सैयदिना अली प्यारे नबी की जात पर रब का दुरूद है। वेलकम बैक टू नूर रहमान इश्क रमजान। नाज़रीन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, वो ना उस पर जुल्म करता है
और ना उसको बेयार और मददगार छोड़ता है, यानी ज़रूरत और मुश्किल में उसकी मदद ज़रूर करता है और ये हम पर फ़र्ज़ भी है। इसलिए हमने इंट्रोड्यूस किया है सेगमेंट राह नेकी, जिसमें हमारे साथ कुछ ऐसे लोग यहाँ मेहमान बनकर आते हैं जिनके कामों को हम देखते हैं, जानते हैं, जो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं और कई सालों से कर रहे हैं, किए चले जा रहे हैं। तो चलते हैं राह नेकी की तरफ। जी, राह नेकी में आज मेरे साथ मौजूद हैं हिसार फाउंडेशन की सीईओ सीमी कमाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू डूइंग? बहुत शुक्रिया आपका। सो देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन हिसार फाउंडेशन। आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएट किया और ख्वातीन के हकूक के लिए पिछले 40 साल से काम भी कर रही हैं, बट मुझे ये बताएं कि हिसार फाउंडेशन की बुनियाद क्या है? क्या है हिसार फाउंडेशन? सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगी कि मैं जोग्राफिया दान हूँ, तो पानी के जो मसाइल हैं वो हमेशा मेरे लिए बहुत मुकद्दम है। तो जो हिसार फाउंडेशन, जिसको मैंने आज से 20 साल पहले तश्कील दिया था, उसका मकसद ये है कि लोगों तक पानी की तरसील हो, पानी और ग़िज़ा और लाइवलीहुड, यानी लोग जो हैं वो एक डिग्निटी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। तो हिसार का मतलब है, आपने सुना होगा हम उर्दू में कहते हैं हिसार बांधना, और हिसार का मतलब है किला। तो समझ लें कि पानी और खाने पीने की अशिया और लाइवलीहुड के गिर्द हम हिसार बांध रहे हैं, इस तरह से कि जो पाकिस्तानी हैं वो एक अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। बिल्कुल। तो ये कितने साल से, इसको कितना अरसा हो गया हिसार फाउंडेशन को? ये हमारा 20वां साल है। 20वां साल। और हमने जब काम शुरू किया था वो उस वक्त किया था जब 2000 में थर में बहुत बुरी तरह से कहत साली के असरात थे और कोई उस वक्त कुछ नहीं कर रहा था। तो क्योंकि थर से मेरा ताल्लुक बहुत रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरी और भी तंजीमें हैं, उन्होंने हम सब ने मिल के काम किया है। तो वहाँ के जब लोगों ने हमसे ये दरख्वास्त की कि उनके लिए कुछ इंतज़ाम किया जाए, तो फिर हम लोगों ने एक कैंपेन उस वक्त रेज किया। सही। और वो जब वो कैंपेन इतना सक्सेसफुल रहा कि उसकी बेसिस पे फिर बहुत से जो बैन अल-अक़वामी इदारे हैं वो भी आ गए, तो फिर हमें ये एहसास हुआ कि ये काम हमें करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कहा, ये नेकी का सफ़र है, और फिर वहाँ से ये काम शुरू होते होते इतना बढ़ गया कि पिछले 20 साल में कम अज़ कम 40-50 कैंपेन्स हम कर चुके हैं। जब भी फ्लड्स होते हैं या अभी जैसे सैलाब का, बिल्कुल सैलाब का बुरा हाल है, कई दफ़ा सैलाब आ चुका है पिछले 20 सालों में, और 2010 और 11 में भी सैलाब आए थे, उससे पहले 2005 में जो जलजले आए थे, उन सारों में फिर हिसार फाउंडेशन, हम अपना ये फ़र्ज़ समझते हैं कि हम जितने लोगों की खिदमत कर सके, हम उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं, पानी का इंतजाम करते हैं, रहने सहने का करते हैं, जी जहाँ पे भी जिधर मसला होता है हम वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन सिंध हमारा घर है, तो पहले हम सिंध में करते हैं, फिर हम बलूचिस्तान में जाते हैं, उसके बाद हम पूरे पाकिस्तान में जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, साथ साथ जब आप बात कर रही हैं तो साथ साथ स्क्रीन पे भी कुछ मालूमात हिसार फाउंडेशन के हवाले से, स्क्रीन पे हमारी ऑन एंड ऑफ चल रही है तो तमाम नाज़रीन वो भी देख रहे होंगे, और मेरी टीम मुझे बता दिएगा जब जब क्लिप्स चल रहे होंगे, ताकि मैं भी देख सकूं कि कितना अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, तो ये जो हिसार फाउंडेशन है, ये कोई वाटर इंस्टीट्यूट के ऊपर भी आप लोग करंटली काम कर रहे हैं? चल अस अबाउट दैट। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि हिसार फाउंडेशन के काम में जो ये मुहिमात हैं, ये तो वक्तन फ़वक्तन होती रहती हैं, और रमज़ान अपील हमारी हमेशा होती है। तो हम ये एक सेक्शन 42 की कंपनी है, जो कि बड़ी, इसके जो रवाबित हैं और उसके जो कानून वगैरह हैं वो बहुत सख्त होते हैं। अच्छा, ठीक है। और ये बड़ी अच्छी बात है, ये गवर्नमेंट की तरफ से है। तो इस वक्त हमारी जो रमज़ान अपील चल रही है, उसके चार अनासिर हैं। एक तो ये है कि वो इलाके जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हो गया था, वहाँ पे हम अगले 2 साल तक काम कर रहे हैं। तो ये हमारी खसूसियत है कि हम एक दफ़ा काम करके छोड़ नहीं देते, हम फिर उनके साथ लगे रहते हैं। फिर हम बहुत सारे पानी के लो कॉस्ट निज़ाम बनाते हैं, जो यहीं के इंजीनियर बनाते हैं, लो कॉस्ट होते हैं, उनके लिए हम करते हैं। और इस काम के साथ साथ इस वक्त हमारा एक वाटर इंस्टीट्यूट एनईडी यूनिवर्सिटी में बन रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो कुछ हमने 20 साल तक सीखा है उसको फिर इस तरह से पेश किया जाए कि जो बहुत सारे नौजवान पानी के बारे में जब सीख के निकलें, तो वो उन मसाइल के हल दे सकें जिसकी हमें आज ज़रूरत है। तो इस वक्त जो हम रिकवरी और रिहेबिलिटेशन का काम कर रहे हैं, उसमें हम फूड और हाइजीन पैक्स भी दे रहे हैं, ये आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है इस वक्त। उसके अलावा हम लोग जो वेल्स हैं उनकी रिहेबिलिटेशन भी करते हैं,
उसके अलावा हैंड पंप्स वगैरह का जहाँ जरूरत होती है, भी लिखी हुई है कुछ तमाम देखने वालों के लिए, दे वांट टू कंट्रीब्यूट, तो हर चीज की कॉस्ट लिखी है। और ज्यादातर मेनली दिस काम इज बीइंग हैपनिंग इन सिंध, सिंध में ज्यादातर ये काम सिंध बलोचिस्तान में, लेकिन पूरे पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान। फिर हम वेल्स भी लगाते हैं, फिर सोलह और रिहेबिलिटेशन वेल्स होते हैं हमारे पास, उसके अलावा हमारे पास वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं हर साइज़ के, जो हॉस्पिटल्स में, स्कूलों में और जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं वहाँ पर है। हमारे सोलर पावर्ड पूरे सिस्टम्स होते हैं जो कि डेजर्ट एरिया में लग सकते हैं। हमारे मशीन बोर्ड सिस्टम्स होते हैं जिसके साथ एक्सटेंडेड ड्रिंकिंग फैसिलिटी का भी इंतज़ाम हो जाता है। फिर हमारे वाटर सैनिटेशन के सिस्टम्स हैं स्कूल के लिए, स्कूल्स में भी हमारे निज़ाम होता है। और ये आप सामने देख लीजिए, आपने बहुत जल्दी हटा दिया यहाँ पे टीम, सब मैं टीम फोन से नंबर करूंगी कि एक मरतबा फिर वो लास्ट वाला जो क्लिप है वो वापस थोड़ी लगा देर लगाए और इतनी तेजी से चला रहे थे कि शायद लोग देख ना सके। वहाँ पे नंबर मौजूद है वहाँ पे, डोंट वरी, एक्चुअली ये ट्रांसमिशन रिपीट भी होगी और यूट्यूब पे भी अपलोड होगी। तो जो अभी वापस आपके सामने स्क्रीन पे क्लिप्स आ रही हैं, तो ये इट्स लवली दैट आप ये सारी डिटेल्स लेकर आई हैं, बिकॉज विजुअल चीज समझ आती है आपको बिल्कुल। तो ताकि जो देखने वाले हैं उनकी समझ में आ जाए कि जब हम कहते हैं कि हम पानी का निज़ाम बना रहे हैं उसका क्या मतलब है, वो किस तरह के होते हैं, वो देही इलाकों में क्या हो सकते हैं, शहरी इलाकों में क्या हो सकते हैं। उसके बाद हमने एक बनाया है अडॉप्ट फैमिली, यानी वो इलाके जोही का जो इलाका है दादू डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ अभी भी पानी खड़ा हुआ है, वहाँ बहुत बुरा हाल है अभी। तो हम वहाँ छोड़ते नहीं हैं लोगों को, तो हमने 1000 फैमिलीज़ को अडॉप्ट कर लिया है अगले 2 सालों के लिए। तो अगर आप 90,000 रुपये हमें फराहम करेंगे, उसमें एक फैमिली को 2 साल तक, जी, 90,000 में जी, उसमें सिर्फ ये नहीं है कि उनको सिर्फ खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं, उसमें फिर उनको किचन गार्डनिंग टूल्स मिलेंगे, उनको सीड्स मिलेंगे, फिर उनके लिए सैनिटेशन का बंदोबस्त होगा, कम्युनिटी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई वगैरह का बंदोबस्त होगा। तो इसीलिए हमारी दरख्वास्त है कि इस नए काम में हमारे साथ शरीक हों, क्योंकि हम लोग उबड़े खुबड़े काम नहीं करते कि ज़रा सा इधर मार दिया, ज़रा सा उधर मार दिया। हम लोग जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनके साथ लग के करते हैं, अरसे तक करते हैं, ताकि वो अपने पाँव पर खड़े हो जाएँ, क्योंकि हमारी तंजीम का मकसद ये है कि पानी और ग़िज़ा की तरसील के साथ साथ हम लोगों को अपने पाँव पर खड़ा करें। बिल्कुल, यहाँ मैं ये भी बताती चलूँ, मुझे डॉक्टर सरवत अस्करी ने ज्वाइन इन किया है, स्कॉलर है आपा, पानी के हवाले से बात हो रही है। पानी बेसिक नीड है जो काफ़ी जगह मैसर ही नहीं बल्कि बहुत सारी जगह, और हिसार फाउंडेशन इतना अच्छा काम कर रहा है हमारे दीन में मदद करने के हवाले से, पानी फराहम करने के हवाले से कुछ तमाम देखने वालों को बताना चाहेंगे आप? मैं तो बहुत शौक से मोहतरमा की बातें सुन रही हूँ, इसलिए कि इतनी खूबसूरत बातें हैं और इतना दर्द दिल इनके अंदर मुझे नज़र आ रहा है। और सबसे बढ़कर जो पानी के हवाले से आपने काम किया, ये बहुत अहमियत रखता है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी की अहमियत के बारे में बताया, और बिलखसूस कुएँ खोदना ये सवाब जारिया है, और लोगों तक पानी पहुंचाना, पीने का पानी पहुंचाना, ये तो एक इतना बड़ा अजर और सवाब है कि जो नस्लों तक चलता रहेगा। अच्छा, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, यही हम लोगों को समझाते हैं कि जो लोग हमें पानी के सिस्टम्स देते हैं उस पर वो किसी का नाम भी लिख सकते हैं, अपनी तरफ से दुआ भी लिख सकते हैं, ये सब कुछ होता है साहब। फिर हम ज़कात सदक़ात सब कुछ एक्सेप्ट करते हैं, पीसीपी की से हम लोग सर्टिफाइड हैं, हमारी ज़कात और शरिया सर्टिफिकेशन सब कुछ मौजूद है, तो आप प्लीज़ दिल खोल के हमारी मदद करें। मुझे बताएं कि जो लोग अभी इस वक्त देख रहे हैं, दे वांट टू गेट इन टच विद यू, वैसे तो टिकर चल रहा है, टिकर पे अकाउंट डिटेल्स भी हैं, वेबसाइट की भी डिटेल्स आ रही हैं, आपने मुझे बताया कि सिर्फ पाकिस्तान में हिसार फाउंडेशन काम नहीं करता, बट के उसकी बट उसकी जो रीच है वो ग्लोबल है। बिल्कुल, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जिन्होंने हिसार फाउंडेशन को बनाया और चला रहे हैं, हमारी पहचान पूरी दुनिया में है, क्योंकि हम लोग नई चीज़ें भी कर रहे हैं। जैसे हमारा जो पानी का इंस्टीट्यूट, वाटर इंस्टीट्यूट बन रहा है, उसके अंदर 5 लेबॉरेटरीज़ बन रही हैं, उसमें एक लेबॉरेटरी ऐसी है तो ग्लोबल फर्स्ट है, वाटर साइकोलॉजी और बिहेवियरल साइंसेज लैब, जो पूरी दुनिया में नहीं है, क्योंकि लोगों की जो सोच है पानी के बारे में उसको कैसे तब्दील किया जाए। इसके अलावा हम बहुत कुछ रिसर्च करते हैं, हमारी तहकीकी चीज़ें निकलती हैं, वो सब इंटरनेशनली जानी पहचानी जाती हैं, और पूरे पाकिस्तान में हमारा काम है। तो जो सरकारी इदारे हैं उनके साथ भी हम काम करते हैं, सिटीजन्स वाटर पॉलिसी भी हम बना चुके हैं, की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन? जी बिल्कुल बिल्कुल होता है, ज़्यादातर तो हमारी फंड रेजिंग सिटीजन्स या शहरी हमारी मदद करते हैं, लेकिन जो हमारा वाटर इंस्टीट्यूट बन रहा है वो एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर है,
तो ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, ज़मीन एनडीयू यूनिवर्सिटी ने दिए, यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इदारा है वो उन्होंने दिए, फिर हमें 470 मिलियन रुपए का इक्विपमेंट मिला है वो फेडरल गवर्नमेंट ने दिया है। Excellent. और बाकी जो उसकी फंड रेजिंग हो रही है वो पाकिस्तानी इदारे और इन कुछ खानदान भी दे रहे हैं, इंफरादी तौर पर भी लोग दे रहे हैं, तो ये इसी तरह से मिल के काम आगे बढ़ेगा। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो मौसमियाती तब्दीली के असरात हैं वो सबसे ज़्यादा पानी के ज़खायर के ऊपर है, और अगर हमने अपने पानी के ज़खायर की हिफाजत नहीं की तो अगले 2-3 दहाइयों के बाद अच्छा पानी जो पीने के काबिल हो, पोल्यूटेड ना हो, वो मैसर होना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो अभी से हमें सोच समझ के काम करना है, और जिनके पास नहीं है उनकी मदद करने का यही मौका है। बिल्कुल, और ये SDG का गोल नंबर 6 है जिसमें वाटर एंड सैनिटेशन के बारे में बात हो रही है, जिस पर आप काम करिए, और आप बहुत अच्छा काम करिए। तमाम देखने वालों से यही कहेंगे कि हम लोग एक अच्छा काम करें, और अक्सर हमें होता है ना कि हम देखें काम क्या हो रहा है, तो यहाँ आपकी स्क्रीन पर वो मनाजिर आए हैं जहाँ आप देखते हैं कि काम हो रहा है, काम चल रहा है, और हर चीज़ की कॉस्ट भी। मैं बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि जो आपने कहा ना कि आप कुआ खुदवा सकते हैं, और उसकी कॉस्ट भी मेरे ख्याल से 95,000 कुछ कम है, कुछ चीज़ों की कम है, कुछ सिस्टम की ज़्यादा है। ये भी देखना होता है कि किस इलाके में है, अगर वो एक्वीफर जिससे पानी निकलेगा बहुत नीचे है तो खुदाई बहुत करनी पड़ती है, कभी मशीनों से करनी पड़ती है, इसलिए हर चीज़ की कीमत अलग होती है। लेकिन हम सिर्फ लगा के छोड़ नहीं देते, हम वहाँ के रहने वालों के साथ पहले अग्रीमेंट करते हैं, उनसे मदद लेते हैं, उनके साथ बैठ के सोचो विचार करते हैं, फिर वो निज़ाम लगता है। अच्छा। और फिर वो उसकी देखभाल करते हैं। अच्छा। क्योंकि दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन, कि क्या होता है कि देखभाल होती है, कभी कभार ऐसा होता है ना कि अब वो खत्म हो गया, कभी ऐसा भी होता है। हाँ। इसीलिए हम लोग रिहेबिलिटेशन करते हैं, आपने देखा होगा। हाँ। और ये भी आप सबसे मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप www.hisar.org पे चले जाएं तो आपको सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। और अगर मुल्क से बाहर आपके रिश्तेदार और जानने वाले हैं वो अगर हमें कुछ मदद करना चाहें तो वो भी बहुत आसान तरीका है, वो एक क्लिक के साथ कर सकते हैं। How ये nice. सब कुछ मौजूद है हमारी वेबसाइट पे, एक फ़ोन नंबर भी है, आप हमारी कॉलीग से बात भी तमाम कर सकते हैं। डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, और हमने आज जाना हिसार फाउंडेशन के बारे में, और कितना कमाल का काम कर रहे हैं, इंसानियत की मदद कर रहे हैं हर तरीके से, और पानी फराहम करना तो बेसिक और हर किसी का राइट है कि उसको क्लीन वाटर मिले। तो प्लीज़ आगे बढ़ें और इस नेक काम में हिसार फाउंडेशन का साथ दें। थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए, हमें, मुझे और तमाम देखने वालों को बताने के लिए कि हिसार फाउंडेशन कितना अच्छा काम करे और हम भी इस नेकी में शामिल हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। इसके साथ यह वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। देखते रहिए नूर रहमान इश्क रमज़ान। बट अब हम बढ़े हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है लज़्ज़ते इफ्तार। लज़्ज़ते इफ्तार में मेरे साथ मौजूद है शेफ नौरीन। बढ़ते हैं उनकी काउंटर की तरफ, कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है और ग्रेप्स लेके आई हैं। और ये क्या किया है नीचे आपने, ब्लू ब्लू, ये क्या है? वाओ, आज हम बना रहे हैं रेड ग्रेप मॉकटेल जो कि कर्शी के जामे चीनी के साथ बनेगा, लाल वाला। अब ये कुछ फ्यूजन आया ना, मॉकटेल। हाँ, मॉकटेल ये ग्रेप्स के साथ बनेगा। यार मैं देखूँ तो क्या मॉकटेल बन रहा है, एक्सीलेंट। और ये बीच में, इज इट फूड कलर? हाँ, ये नहीं, मैंने इसको शुगर, वो जो ग्रेप का सिरप होता है ना, उससे मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया। वेरी नाइस, इतनी खुशबू आ रही है। ये क्या है ये? दिस इज ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस भी इस्तेमाल होगा? ऑरेंज जूस भी होगा, सोडा वाटर होगा इसमें। सोडा वाटर, एक्सीलेंट, ओके। लेमन जूस है और रेड ग्रेप जूस है। ठीक है भाई, आप रेडी है? ये आप सैरी में दे दीजिएगा मॉकटेल अपने बच्चों को। बिल्कुल, ठीक है, चलो भाई लेट्स स्टार्ट देन। चले जी, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ऑरेंज जूस 1 कप। ठीक है, ठीक है, ऑरेंज जूस जाएगा, फिर इसमें लेमन जूस जाएगा। अच्छा, ये सोडा वाटर है, ये इसमें जाएगा। सही, ठीक है, हम इसको नीचे रख देते हैं। अच्छा, ये आइस है इसके अंदर, ये जाएगा। सबसे जरूरी बर्फ, एग्जैक्टली, क्योंकि मौसम है गर्मा, जरूरी है भाई, जरूरी है। और फिर कर्शी का जामे शीरी आप सबको रिफ्रेश करता है, हमको भी, हमारे मेहमानों को भी। ये क्या, ये शरबत है? ये रेड ग्रेप जूस है। अच्छा, रेड ग्रेप जूस है, ठीक है। रेड ग्रेप जूस इसमें जाएगा, और ये कर्शी का जामे शीरी जो इसमें 3 टेबलस्पून हम डालेंगे। ओके, हाँ, ठीक है, ज्यादा भी नहीं डालने की जरूरत है, 3 टेबलस्पून। सही, अब हम इसको कर देंगे ब्लेंड। या वैसे जो भी आपको फॉलो कर रहा है ना, उसके घर वाले खुश होंगे। बड़ी वेरिएशन है माशाल्लाह से। चले, हम करते हैं स्टार्ट। एक्सीलेंट, कलर कितना खूबसूरत आ रहा है आपका, जो कलर है वो याद।
आज कुछ खास बात है, सबने कलर पहना हुआ है। चले जी, हो गया ब्लेंड। बल्कि देखिए कितनी बरकत आ गई कि मुझे लगता है 3 ग्लास से ज्यादा होगा। 3 ग्लास से ज्यादा होगा एग्जैक्टली। ओके, क्योंकि 100% खालिस है ना सनम, ये इसमें एक बूंद पानी का नहीं है। बिल्कुल, एंड दिस इज द बेस्ट ड्रिंक। Honestly, आप ये रोजेदारों का रोजाना इम्तिहान लेती हैं। क्या कर रही है ये शेफ नौरीन, लेकिन जो भी कर रही है बहुत अच्छा कर रही है उनके लिए जो घर पे वेट करते हैं, स्पेशली लज़्ज़त इफ्तार के सेगमेंट के लिए, कि हम देखें कि हम कर्शी जामे शीरीन से क्या बनाएंगे। चलें जी, हमारा डन हो गया रेड ग्रेप मॉकटेल। आप ये चेक कर, यार ये देखो कि कितना अच्छा लग रहा है, ऊपर झाग और नीचे लिक्विड, लुक्स सो गुड। और ये तो बड़ी जल्दी बन गया। बहुत जल्दी बन गया। मतलब कि इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रेप करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत कोई प्रिपरेशन की जरूरत ही नहीं, 2 मिनट का काम है ये, बस चीजें लाइन अप। और शहरी में तो ये बहुत जरूरी है बनाना। हाँ, ठंडा ठंडा आप सुबह पीजिएगा ये बना के। सहरी में भी अच्छा है, और सहरी में आप लस्सी बना सकते हैं कर्शी जामे शीरी के साथ। इलायची वाला बनाए या लाल वाला बनाए, बेस्ट है, जबरदस्त। दही में आप ये डाल दें 2 टेबलस्पून, ज्यादा चाहिए भी नहीं क्योंकि इसमें तो चीनी होती नहीं, ना पानी की एक बूंद होती है, तो ये तो बेस्ट है। पाकिस्तान का सबसे नंबर 1 है कर्शी का जामे शीरी। और वंस अगेन मैं ये बता दूं कि ये खालिस है, 100% खालिस, इसमें एक बूंद भी पानी का नहीं मिला हुआ। जो मिलाते हैं वो फिर हम ही मिलाते हैं। Exactly, जो हम ही मिलाते और फिर पी जाते हैं। ओके जी, अच्छा ये हो गया जामे शीरी, और मेरे ख्याल से सब घरों में होता है, और लोग, मैं तो कहती हूँ अभी से बना के जरा फ्रीज कर दे, ठंडा ठंडा ज्यादा मजे का लगता है, बिकॉज आपको उस वक्त बहुत प्यास लग रही थी। आप आज जो हम बात करें, हम तकवा के बारे में बात करें, ये थोड़ा बहुत जो मुझे पता था मैंने कह दिया, मगर आप स्कॉलर हैं, आप बताएं हमें तकवा है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं और आप इस वक्त माह रमज़ान मुबारक के दूसरे जुमे के अंदर मौजूद हैं, और हम सब रोज़े से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि परवरदिगार आलम ने हम सबको ज़िंदगी अता फ़रमाई है कि, और आमाल का दरवाज़ा खुला हुआ है ताकि हम इन आमाल को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकें। रोज़े का मतलब और मकसद क्या है? एक गोल है, एक अचीवमेंट है, लअल्लकुम तत्तकून, यानी हमको जिस मकाम तक पहुँचना है वो है तकवा। अब यानी रोज़े का मकसद ये करार पाया कि तकवे तक पहुँचना है। तकवा क्या है? जब किसी आलिम दीन से किसी ने सवाल किया कि तकवा किसे कहते हैं, तो आलिम दीन ने जवाब दिया, कहा कि तसव्वुर ये करो कि तुम एक रास्ते पर चल रहे हो और उसके दोनों जानिब कांटों भरी झाड़ियाँ हैं। गुनाह ना करना एक कांटा है, और महरमात को छोड़ देना यानी हराम चीज़ों को छोड़ देना दूसरा कांटा है, और उसके बाद तुम हर कदम पर दोनों तरफ के एक एक कांटों को हटाते जाओ, रास्ता साफ सीधा सच्चा होता जाएगा, और तुम जिस गोल तक पहुंचोगे उसको मकाम तकवा कहते हैं। मतलब यानी अपने आप को बचा के सिमट कर, बिल्कुल अपने आप को बचा कर रखने का। दुनिया तो टेम्पटेशंस ही टेम्पटेशंस हैं, बिल्कुल, और दुनिया बाकिया तो सालेहात है, दुनिया मज़रे आखिरत है, दुनिया कायम रह जाने वाली नेकी है। बहुत सारे लोग दुनिया को बहुत बुरा भला कहते हैं, मैं कहती हूँ नहीं, दुनिया को बुरा ना कहो, इसलिए कि दुनिया मज़रे आखिरत है। यहाँ पर हम जितना थोड़ा सा टाइम गुजारते हैं उस टाइम को इस्तेमाल करते हैं अपनी आखिरत बनाने के लिए। मैं हैरान होती हूँ, मैं कहती हूँ कि कोई किसी यतीम को पानी क्यों पिलाता, किसी भूखे को खाना क्यों खिलाता, किसी यतीम के सर पर हाथ क्यों रखता, लेकिन जब उसे यकीन है कि इंशाल्लाह ताला आखिरत में उसका अजर और सवाब मिलेगा और बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो वो तमाम काम करने पर तैयार हो जाता है। आपा एक ये भी बात होती ना, जब आप अल्लाह से करीब होते हो, या आपको डर होता है और वही तकवा, और आप को होता है ना, जब आपको यकीन है कि मैं ये कर रही हूँ अल्लाह मुझे इसका अजर देगा, तो यकीनन अल्लाह भी खुश होता होगा कि देखो मुझे राज़ी करने के लिए कर रही है, मुझे राज़ी करने के लिए कर रहा है। तो उसमें बड़ा फ़र्क पड़ता है कि ऐसी दे देना कि नरम दिल है आपने दे दिया, और एक के मैं आई वॉन्ट टू मेक माई रब हैप्पी। तो मेरे ख्याल से अगर हम सिर्फ ये चीज़ जहन में डालें और अल्लाह को खुश करने के लिए चीज़ें करें, तो हमारे मामलात बहुत आसान हो जाएंगे। हमारे लिए चीज़ें जो हमें लगता है ना ये मुश्किल है, ये काम छोड़ना मुश्किल है, पाक परवरदिगार खालिक़ इंसान है, खालिक़ कायनात है, और वो खालिक़ इंसान, वो खालिक़ कायनात, उसके हमारे ऊपर हुकूक़ हैं। हम कैसे ये मुमकिन है कि उसको फरामोश कर दें, अपनी ज़िंदगी में भूल जाएँ कि वो मौजूद है या नहीं है, बल्कि हमको हर लहजा और हर आन ये ख्याल रहना चाहिए कि पाक परवरदिगार हमारे साथ है और हमें देख रहा है। पहले ये कहते थे जी ये कैमरे की आंख आपको देख रही है, लेकिन हमेशा खुदा हमको देख रहा है, रब्बुल आलमीन हमको देख रहा है। हमको काम ऐसे करते रहना चाहिए कि जिससे रब्बुल आलमीन, पाक परवरदिगार हमसे राज़ी हो, और जब रब्बुल आलमीन राज़ी होगा तो इंशाल्लाह ताला मैं और आप मुत्तकीन में शुमार हो जाएंगे।
इंशाल्लाह आमीन। आपको पता है ट्रांसमिशन का आगाज़ हुआ था तो मैंने भी यही वाली बात की थी जो तकवे के बारे में जो मैंने आपसे पूछा, लेकिन जिस तरह आपने समझाई वो इतनी खूबसूरती से समझाई है कि मुझे तो समझ आई और यकीनन सामने देखने वालों को भी बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी। सो उसके साथ मुझे लगता है जब आपा रमज़ान का महीना आता है ना, वो हमारी सोल को क्लेंस करता है बिल्कुल, और हमारी वो होता है ना सिस्टम एक्टिवेट करता है कि चलो भाई नेकी करो, चलो भाई खाने खिलाओ, चलो भाई इंसानियत से हमें करीब लाता है, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर हम इतने बिजी होते हैं। कुछ लोग हैं जो हमारे जैसे बाकमाल लोग होते हैं और वो जो नेकी वाला सेगमेंट है उसमें आते हैं, वो लोग थ्रू आउट द ईयर काम कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोग जो बेसिकली अपने घर से काम से घर से वापस काम पे जाते हैं, वो ये चीज़ों में इतना नहीं इन्वॉल्व होते, लेकिन ये महीना आता है उनको, उनकी सोल प्योर करता है, उनको सिखाता है। हाँ देखो सर, हम जैसे एक रेफ्रेशर कोर्स होता है, आप हाँ। किसी कॉलेज में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो आपको बड़ी से बड़ी डिग्री हासिल कर लिया, लेकिन उसके बावजूद एक रेफ्रेशर कोर्स की ज़रूरत हुआ करती है कि जो आप भूल गए हों वो याद आ जाए, जो आपके प्रैक्टिस में ना शामिल हो वो एक मरतबा फिर प्रैक्टिस में आ जाए। तो रब्बुल आलमीन की जानिब से एक रेफ्रेशर कोर्स है हमारे लिए, इसलिए कि 11 महीने अगर हम में से कोई ऐसा हो जो कि कुछ फरामोश कर रहा हो, कोई कुछ भूल रहा हो, तो फिर इस जब सिस्टम के अंदर शामिल हो जाते हैं तो फिर हमको सब कुछ दोबारा से याद आ जाता है, और जब दोबारा से याद आ जाता है हम उस तमाम तर नेकियों को दोबारा हासिल करने की कोशिश करते हैं और तकवे को हासिल करने की। बिल्कुल, थैंक यू आपा। इसके साथ शेफ नौरीन की तरफ एक मरतबा फिर बढ़ते हैं। मैं चाहती हूँ कि तमाम जो लोगों ने अभी अभी हमें ज्वाइन इन किया है वो उनको पता चल जाए कि आज शेफ नौरीन ने क्या किया, अगर जल्दी से आप हमें बता देंगे मॉकटेल जो आपने बनाया इसकी रेसिपी क्या है। जी, रेड ग्रेप मॉकटेल बनाया था जिसमें हमने 2 कप रेड ग्रेप जूस लिया था, लेमन जूस लिया था, ऑरेंज 1 कप लिया था एंड सोडा वाटर 1 कप लिया था, और 3 टेबलस्पून उसमें हमने करशी का जामे शीरी ये ऐड किया था, और बर्फ के साथ हमने इसको ब्लेंड कर लिया। एक्सेलेंट, और सबसे अच्छी बात करशी की जामे शीरी की ये है कि खालिस है 100%, तो इसमें एक बूंद भी पानी नहीं मिला हुआ। इसके साथ मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होंगे। आप कहीं नहीं जा सकते, सिर्फ मैं जाऊंगी क्योंकि मैं यूं गई और यूं वापस आई। नूर रहमान इश्क रमज़ान में खुश आमदीद, और अब हम बढ़ने जा रहे हैं अपने सेगमेंट बाकमाल लोग की तरफ, जहां हम आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिलाते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है, और ना सिर्फ अपने लिए किया है बल्कि अपने मुल्क का नाम रोशन किया है। चलते हैं बाकमाल लोग की तरफ। आज बाकमाल लोग में मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं अमरीन हसीब अंबर, शायरा हैं, अदीब हैं, टीवी होस्ट हैं, मतलब कि कोई ऐसा रेडियो भी करती हैं, कोई ऐसा काम नहीं जो उन्होंने छोड़ दिया है। परवीन शाकिर अक्से खुशबू अवार्ड से भी उनको नवाजा गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे? इतने सारे काम और मतलब किस तरह मैनेज करती हैं? ये सवाल आपका करना नहीं बनता क्योंकि आप खुद यही कर रही हैं कि बहुत तो सारे काम एक साथ मतलब करती राइटर है। टीवी रेडियो मतलब ये तो, और राइटिंग में भी बहुत वक्त लगता है। बस असल में होता यह है कि जब आपको थोड़ा भी स्पेस मिलता है ना कि आप निकलें और काम कर सकें, तो फिर अंदर एक लगन ये होती है कि इतने काम कर लें कि दूसरों को ये रोशनी मिल सके कि वो भी कर सकते हैं, जब ये कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं, तो उसमें फिर एक बड़ी एनर्जी रहती है। और आपका तो घराना भी ऐसा है माशाल्लाह, आपके फादर प्रोफेसर साहब प्रोफेसर अंसारी तो इतनी बड़ी पर्सनालिटी हैं, तो अक्सर कहते हैं ना कि जहाँ ऑलरेडी बड़े दरख्त होते हैं तो वहाँ छोटे दरख्तों को इतनी परवाज़ नहीं मिलती है, मुश्किल होता है उनका भी उभरना। तो मुझे बताएं कि एक इस तरह के घर में होना और फिर अपना नाम अलग से बनाना और पहचान बनानी, तो ये आसान हो गया था आपके लिए, ये थोड़ा मुश्किल था कि मुझे? बहुत मुश्किल। अच्छा? बहुत मुश्किल है क्योंकि वही जो आप कह रही हैं ना कि जो बड़े दरख्त होते हैं उनके नीचे आप पनप नहीं सकते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप उन दरख्तों की छांव से थोड़ा सा बाहर होकर खुद धूप बर्दाश्त करें ज़माने की, खुद अपनी मेहनत करें, स्ट्रगल करें, उनके नाम को विजिटिंग कार्ड की तरह इस्तेमाल ना करें, तो फिर आप अगर बेसाखियों के बगैर चलते हैं तब आप किसी मकाम तक पहुँच सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है क्योंकि आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लोग आपको मुसलसल ही कह रहे होते हैं तो अब्बा करा रहे होंगे, ये तो अब्बा की वजह से मिल रहा होगा, वो भी आप मुसलसल सुन रहे होते हैं। हाँ। और फिर अपने आप को समझा रहे होते हैं कि हिम्मत नहीं हारनी है, तुम्हें पता है तुम किस तरह आगे जा तो रहे हो। फादर का कितना रोल था आपके अब्बू का,
या अब्बू ने आपको समझाया कि जाओ अपना अपनी स्ट्रगल करो, या अब्बू आपको ऑन एंड ऑफ हेल्प करते रहते थे? उन्होंने बचपन से हम लोगों की तरबियत इसी तरह की थी कि वो कहते थे कि तुम लोगों को अपनी जगह खुद बनानी है, ये कभी मत सोचना कि तुम सहारनसारी की औलाद हो। अच्छा, वो औरों के लिए कर देते थे सिफारिश, लेकिन अपनी औलाद के लिए कभी नहीं। और कहते थे कि तुम्हें तो हमारी तरबियत है, तुम्हें क्यों सिफारिश की जरूरत पड़ेगी। तो वो बचपन से ना उनकी तरफ से ये सख्ती थी कि नहीं, आप खुद मेहनत, जिसकी वजह से आज आप है जो है, क्योंकि वो खुद एतमादी, उन्होंने आपको, आप कर सकती हो, तुम कर सकती हो, बड़ी जरूरी होती है मेरे ख्याल से। जो ये एक्सीलेंट पेरेंटिंग यही होती है कि आप बच्चे में बस वो बीज डाल दें, उसके बाद बच्चा खुद से फ्लरिश करता है। तो शायरी का आगाज़ किस तरह हुआ, सबसे पहली शायरी याद है आपको अपनी? शायरी का आगाज़ हमें नहीं मालूम कब हुआ, बस हम लोग छोटे थे और घर में हमारे खेल भी बड़े अजीब थे। हमारी वालिदा भी बहुत आला तालीम याफ्ता हैं और उर्दू अदब में, तो हमारे यहाँ बैतबाजी हो रही है, नज़्म गोई हो रही है, उसमें बैतबाजी में शेर नहीं आ रहा तो खुद ही शेर गढ़ लिया। अच्छा, सामने वाली टीम को पता नहीं चला तो हौसला हो आ गया कि अच्छा मालूम भी नहीं हो रहा कि शेर किसी और का है, तो वहाँ से शायद शेर कहने शुरू कर दिया। और जो सही कह लीजिए, हम शायद क्लास फोर्थ में थे तो हमारी वालिदा होम्योपैथी कॉलेज में पढ़ती थी, वहाँ एक प्रोग्राम होने वाला था, उनके जो बानी हैं होम्योपैथी के सैमुअल हनीमैन, उनकी एक तकरीब हो रही थी। तो हमारी वालिदा किसी चीज़ में हिस्सा नहीं ले रही थी। उन्होंने कहा प्रिंसिपल साहब ने कि तुम भी कुछ नहीं कर सकती हो। हमने कहा कर सकते हैं। अच्छा, बचपन में इंसान बड़ा कॉन्फिडेंट होता है। उन्होंने कहा क्या कर सकती हो? हमने कहा हम शायर हैं, हम शायरी कर सकते हैं। उन्होंने कहा अच्छा, फिर तुम शायरी लिख के ले आओ। तो हमने एक नज़्म पूरी लिखी थी सैमुअल हनीमैन पर, और वो जाके हमने उसमें पढ़ी फंक्शन में, और वो खिड़की तोड़ परफॉर्मेंस थी। अच्छा, तो बहुत लोगों को पसंद आई, सब हमें कंधों में बिठा के पूरे कॉलेज में घूमे बच्चे। तो वो एक बहुत अच्छी फीलिंग थी, और ये एहसास हुआ कि नहीं, आप शेर कह सकते हैं, कह सकते हैं। तो उसके बाद जस्ट इमेजिन क्लास 4 का बच्चा, क्लास 4 नहीं, अच्छी शेर व शायरी कर रहा है। तो क्लास में तो सब मुड़ के जलस होते होंगे कि ये तो जी आपा, बड़ा फर्क पड़ता है। हाँ। हो, और वो जब बात कर रहे हों घर में मुहावरे और पहेलियाँ, और ऐसे खेल खेल में इतनी सारी बातें सिखा दी जाती हैं। ये फन था इनका शायरी करना। सो क्योंकि आपने अभी तुम भी बोला ना, तो मुझे याद आ गया, तुम भी हो, तुम भी ना। तो अगर कुछ अशार सुना दे उसमें से। ज़रूर। असल में ये एक निसाई रोज़मर्रा और मुहावरा है। हमारे यहाँ आमतौर पे ये होता है कि जी ख़वातीन शायरी करेंगी तो किस ज़बान में, क्योंकि अगर वो मर्द की ज़बान में कर रही हैं तो मर्द की शायरी है। तो हम एक आर्टिकल लिख रहे थे और उसमें हमने खैर ये लिखा कि ज़बान बनने के अमल में भी औरत का हिस्सा होता है, लिहाजा आप ये नहीं कह सकते कि ये मर्द की ज़बान है। लेकिन हाँ, औरत के कुछ मखसूस निसाई रोज़मर्रा और मुहावरा हैं, तो उसको हमने बरत के ये गज़ल कही थी कि ध्यान में आकर बैठ गए हो तुम भी ना, ध्यान में आकर बैठ गए हो तुम भी ना, मुझे मुसलसल देख रहे हो तुम भी ना। क्या कहने, अच्छे हैं ये चांद सितारे फूल धनक, अच्छे हैं ये चांद सितारे फूल धनक, लेकिन तुम सबसे अच्छे हो तुम भी ना। वाह। दे जाते हो मुझको कितने रंग नए, दे जाते हो मुझको कितने रंग नए, जैसे पहली बार मिले हो तुम भी ना, हर मंजर में अब हम दोनों होते हैं, मुझ में ऐसे आन बसे हो तुम भी ना, इश्क ने यूं दोनों को हम आमेस किया, सुभान अल्लाह, इश्क ने यूं दोनों को हम आमेस किया, अब तो तुम भी कह देते हो तुम भी ना। वाह वाह। खुद ही कहो अब कैसे समझ सकती हूँ मैं, खुद ही कहो अब कैसे समझ सकती हूँ मैं, आईने में तुम होते हो तुम भी ना, और मांग रहे हो रुख्सत मुझसे और खुद ही, मांग रहे हो रुख्सत मुझसे और खुद ही, हाथ में हाथ लिए बैठे हो तुम भी ना। वाह जबरदस्त। अब मैं सोचूं, मैं जा रही हूँ अपने शोहर से मिलने, एंड ऑफ मे में तो मैं ये पूरी रट के जाऊंगी ताकि वो भी परेशान हो जाएगा। आज तक जरूर तो, वैसे ज्यादातर इजहार तो मर्द की तरफ से ही आता है, लेकिन ये बड़ा ही खूबसूरत है, बहुत शुक्रिया, लड़कियों को भी करना चाहिए। बिल्कुल। तो मुझे बताएं कि हस्बैंड की तरफ से कितना सपोर्ट था, कितना सपोर्ट रहा, या मुश्किल हो गया शादी के बाद काम? नहीं, शादी के बाद ही हमने काम किया है, क्योंकि हमारी शादी जो है वो
तालीम के दौरान हो गई थी। अच्छा। और हमारे शोहर का ये कहिए कि सपोर्ट भी है, कॉन्फिडेंस भी है, और बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है हमें इनक्रेज किया कि नहीं तुम्हें जाना चाहिए है और तुम्हें जो है वो काम करना चाहिए, तुम बहुत अच्छी शायरी कर रही हो। उनको लगता था कि नहीं नहीं मैं वो पहले शख्स थे जिन्होंने हमसे कहा कि तुम जो हो ना तुम्हें छपना चाहिए, नहीं तो ये बड़ा जुल्म है लोगों के साथ कि वो इतनी अच्छी शायरी से महरूम रहेंगे। तो हमें हुआ कि शोहर है इसलिए इनको ऐसा लग रहा है, मेरे शोहर है तो उनको मेरा काम अच्छा लग रहा है। लेकिन बहुत उन्होंने सपोर्ट किया। चैनल पे किसी ने सवाल किया था कि हर कामयाब मर्द के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, किसी क्या कामयाब औरत के पीछे भी मर्द का हाथ होता है? बिल्कुल, यकीनन होता है, उसका बाप, उसका शौहर, उसका भाई, उसका बेटा। बिल्कुल, और कितना इम्पोर्टेंट है ना, आपको कितना सुकून है कि आपके हस्बैंड ने आपको यू नो सपोर्ट किया, बोला, और दिस इज लवली। ये उसकी वजह से जो कॉन्फिडेंस आता है ना आप में, वो आप अगर घर में लड़ रहे हैं, घर में एक जंग चल रही है, तो सारी एनर्जी वहाँ खत्म हो रही जाया जाती है और आपकी आपका कॉन्फिडेंस चला जाता है। जब आपको पता है कि मेरा घर वाला मुझे सपोर्ट कर रहा है, वो कह रहा है जाओ करो, और जब आपको पता है कि मेरी कोई चीज़ छपती है तो सबसे ज़्यादा खुश वो होता है, विच इज़ जस्ट सो ब्यूटिफुल। थैंक यू सो मच वक्त निकाल कर हमसे आकर मिलने का, हमारे सेगमेंट में शामिल होने का। और वैसे लोग आपको जानते हैं, मगर एक पर्सनल जो मुलाकात हो जाती है ना आपकी, लिखी हुई बातें और लिखी हुई शायरी तो सब पढ़ते हैं, मगर वो आज देख लिया आपको उन्होंने। बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है कि आपने इस प्रोग्राम में बुलाया, बहुत अच्छा लगा। आपके प्रोग्राम्स हम देखते रहते हैं, आज फेस टू फेस देखा तो ज़्यादा प्यारी भी लगी और बात करके खुशी भी हुई। थैंक यू सो मच। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, लेकिन ब्रेक के पे जाने से पहले हम बढ़ेंगे कव्वाली की तरफ। अली जमान ताजी कव्वाल और हम नवा हमारे साथ यहाँ मौजूद है, आपकी कव्वाली से हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। कहेगा जहां हामी ये बेकसा, क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे, हामी ये बेकसा, क्या कहेगा जहां। कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम, कोई अपना नहीं, अपना नहीं, कोई अपना के मारे हैं हम, और आपके दर पे भरिया दिलाए हम। हाँ हो निगाहे करम सल्लल्ला, निगाहे करम, वरना शागढ़ पे हम आपका नाम ले ले के मर जाएंगे, हो निगाहे करम। हसनैन के सदके
ना खौफे कदा मदीने में, और नमाज इश्क करेंगे अदा मदीने में, इधर उधर न भटकते फिरो खुदा के लिए, इधर न भटकते फिरो खुदा के लिए, मदीने चले आओ मदीने चले आओ, सरकार मदीने में बुला क्यों नहीं लेते, मदीने में बुला क्यों नहीं लेते, है दामन में गरीबों को छुपा क्यों नहीं लेते, चलो मदीने चले आओ आओ मैं कुछ मदीने चले कौसर से पीने चले, याद रखो अगर उड़ गई वो नजर याद रखो अगर जितने खाली है सब। नूर रहमान इश्क रमजान में खुश आमदीद जनाब। अच्छा सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हम जिस सेगमेंट की तरफ बढ़ने के लिए जा रहे हैं, जजेस को बड़ा इंतजार होता है उस सेगमेंट का, क्योंकि बच्चे जो हैं हमारी जो यूथ है जो न्यू जनरेशन है वो अपना उनको एक टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक पर बहसबाजी करते हैं, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है जजेस तक और आप तक पहुंचाते हैं। और ये बात मुझे कहने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है कि ये लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप तक पहुँचाते हैं, लेकिन ये सेगमेंट जो आप तक पहुँचाता है वो है कोलगेट मिसवाक। जनाब एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, और जैसे ही मुझे पता चला ना कि उसकी डेट 25 अप्रैल है, मैंने सोचा कि मैं जैसे ही वापस आऊँगी ब्रेक से मैं ये वाली बात आपको बता दूँगी। कोलगेट मिसवाक दे रहा है आप सब लोगों को उम्रा जाने की सादत। अगर आप इसको हासिल करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, कोलगेट मिसवाक खरीदना है, आपने इस डब्बे को खोलना है, ज़्यादा से ज़्यादा खोलेंगे तो फिर चांसेस आपके ज़्यादा हो जाएंगे जितने आप डब्बे खरीदेंगे। इसको आपने खोलना है, इसमें एक कोड होगा और साथ में नंबर होगा 03022654283 जिस पर आपने मिस कॉल मारनी है, यानी क्रेडिट भी ज़ाया नहीं होगा, कॉल बैक आएगी, और जब कॉल बैक आएगी तो आपने वो कोड डायल कर देना और आप कुरानदाजी में हासिल कह रही हूँ शामिल हो जाएंगे और शायद हासिल कर ले उम्रा की सादत। दो चीज़ें मिक्स हो रही हैं बिकॉज मैं भी बड़ी एक्साइटेड हूँ, सोचूं खरीदूं क्या, यहीं से उठा के ले जाऊँ सबके सब। और अभी मुझे ज्वाइन इन किया है मेरे मेहमानों ने, हमारे जजेस ने, डॉक्टर सरवत अस्करी हमारे साथ मौजूद हैं, मुफ्ती सैयद जुल्फिकार अली गिलानी ने भी हमें अभी ज्वाइन इन किया। बताऊँ आज बड़ा मुश्किल हो रहा है, आज पानी मैंने कम पिया था सैरी मुफ्ती साहब। जुमे का रोजा फितरतन कुदरती तौर आज बोले थोड़ा सा उसमें सख्ती होती है, आज एनर्जी नहीं जुमे के रोजे में होता है। अच्छा हाँ। चले जी तो बढ़ते हैं मुझे कुछ कहना है की तरफ। आज का टॉपिक है जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। आज का टॉपिक मुर्तजा बिरलास की एक गज़ल से लिया गया है, पूरा शेर कुछ यूं है, किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। चले जनाब तो ये टॉपिक आपने सुन लिया, मेरे साथ यहाँ बड़े क्यूट क्यूट से बच्चे मौजूद हैं, आज तो एक नवाब शाह से भी ट्रैवल करके आए, 4.5 घंटे लगे उसको कराची पहुँचने में, उससे आपको मिलवाएंगे, लेकिन सबसे पहले बिस्मा को बुलवाएंगे। आ जाए बिस्मा, आर यू रेडी, आपका वक्त शुरू होता है अब। वही तख्त है वही ताज है, वही जहर है वही जाम है, ये वही खुदा की जमीन है, ये वही बुतों का निजाम है, बड़े शौक से मेरा घर जला, कोई आज तुझ पे ना आएगी कि ये जुबां किसी ने खरीद ली, ये कलम किसी का गुलाम है। खुदा की बस्ती पर बुतों का निजाम लाने वालों, इंसानियत को भारी जूतों तले रौंदने वालों, घरों को आतिश की नजर करने वालों, जुल्म बर्बरियत का बाजार गरम करने वालों, हाथ में कशकौल लिए हर फिरौन के दरवाजे पर दस्तक देने वालों, खुदा का कानून मकाफात इस बात का चीख चीख कर ऐलान करता है कि जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा।
सदर अली वकार हिसाब होगा उन तमाम बस्ती उजाड़ने वालों का जिन्होंने फिरकों की बुनियाद पर ना जाने कितने ही लोगों का कत्लेआम किया, जिन्होंने मकान देने के ख्वाब दिखाकर ना जाने कितनी बस्तियां मसमार की, जिन्होंने इंसानियत को भारी जूतों तले रौंदा, जिन्होंने मेरिट का कत्लेआम करके ना जाने कितने ही ख्वाबों को चकनाचूर किया, जिन्होंने अस्पतालों में मौत और दर्जगाहों में जहालत बेचकर ना जाने कितनी जिंदगियां और मुस्तकबिल बर्बाद किए, हिसाब होगा उन जागीरदारों का जिन्होंने जमीनों पर कब्जा जमा कर न जाने कितने गुरबा का मस्कन छीना, हिसाब होगा उन लुटेरों का, उन जागीरदारों का, उन वडेरों का, और हिसाब होगा उन मुंसिफों का जिन्होंने चंद पैसों की इवज इंसाफ को सूली पर चढ़ाया, हिसाब होगा उन हाकिमों का कि जिन्होंने जब चाहा वतन अजीज को गैरों की गोद में गिरवी डालकर इसे अपने बाप दादा की विरासत समझा, और हिसाब होगा हर उस साहिब तलवार का कि जिसकी तलवार से फकत अपने ही लोगों की गर्दनें कटी हों, और हिसाब होगा उन वडेरों का कि जिन्होंने जब चाहा मजदूर मजलूम तबकात पर जुल्मात के पहाड़ तोड़े। वो दिन के जिसका वादा है जो लोहे अजल पे लिखा है, वो दिन के जिसका वादा है जो लोहे अजल पे लिखा है, जब महकूमों के पांव तले जब धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हुकुम के सर पर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। आप सबकी समातों का बेहद शुक्रिया। और ये थी बिस्मा, आप लोग नोट डाउन कर ले नाम, अभी अभी मैं ज्वाइन इन किया है मुफ्ती नूर रहमानी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल नूर, अच्छे लग, आप, आपका कुर्ता बहुत जबरदस्त लग रहा है। बारा किल्ला। ओके जी, अब नेक्स्ट आते हैं अली हमजा को दावत देते। तैयार है आप अली? नहीं, ओके। वैसे पहली दफा कोई कंटेस्टेंट ने मुझे बोला नहीं मैं तैयार नहीं अभी, वेट। ओके, रेडी, स्टार्ट। मैं जिस बस्ती का मकीन हूँ सदर अली वकार, ये कभी बहारों का मस्कन हुआ करती थी, जहाँ कश्मीर की वादियों में जन्नत के हसीन नज़ारों का गुमान हुआ करता था, जहाँ पंजाब का गबरू चनाब के किनारे वारिस शाह का कलाम पढ़ता तो दरिया की मौजें झूम उठती थी, जहाँ शाब्दुल लतीफ़ भुटाई और रहमान बाबा की शारी कानों में रस घोलने लगती थी। मगर अली वकार, अफसोस कि आज इस सरजमीन को ना जाने किसकी नज़र लग गई है, करिया करिया आग और खून का खेल जारी है, मोहब्बत अखुवत ना जाने किस देश की बासी हो चुकी, ना जाने कितनी ही ऐसी तस्वीर मेरे सामने महवे रक्स हैं कि जो इंसाफ की तलबगार हैं। इन्हीं तस्वीर में से एक तस्वीर पिशावर के उन नन्हे शहदा की है कि जिनके खून के साथ होली खेली गई लेकिन कातिल न मिले, सारा इनाम अपने ही शौहर के हाथों बड़ी बेदर्दी से कत्ल हुई, न जमीन कांपी और ना ही आसमान फटा। लाहौर में सीरियल किलर जवेद इकबाल 100 बच्चों को तेजाब के ड्रम में फेंक देता है, लेकिन हम रियासत मदीना के दावेदार खामोश तमाशाई रहे। और अली वकार, मेरे पैगंबर ने तो फरमाया था कि ऐ काबा, तू मुझे सबसे ज्यादा अजीज है, मगर तुझसे भी ज्यादा अजीज मेरे इंसान का लहू है। फिर उसी रसूल के उम्मती बजाय इसके के अमन व सलामती की खैरात बांटते, वो तो खुद कश हमलों से पिशावर की मसाजिद को खूने शहीदा से लाल करते रहे। और अली वकार, अफसोस कि आज अरशद शरीफ के लवाहिकीन इंसाफ के तलबगार हैं, अफसोस कि आज आप मैं एक ऐसे मुआशरे का हिस्सा हैं कि जहां एक एक आटे के थैली के एवज गरीब की तजलील होती है। मगर अली वकार, यकीन मानिए, हिसाब होगा। तारीख गवाह है कि कितने ही फिरौन आए और गर्के आब हुए, कितने ही नमरूद अबू जहल आए और अपने अंजाम को पहुंचे, क्योंकि किताब सादा रहेगी कब तक? कभी तो आगाज बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। शहर की खुशियां मनाने वालों, शहर के तेवर बता रहे हैं अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा। शुक्रिया। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अली हमजा के बारे में मैं इतना बताती चलूं कि मुझे प्लीज करेक्ट कीजिएगा कि पंजाब से आपका ताल्लुक है और आप कराची आए हुए, पढ़ने बताइए। जी, मैं, मेरा ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ का एक बहुत ही पसमानदा इलाका है रंगपुर,
वहाँ से मेरा ताल्लुक है और मैं मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं भी कभी टीवी पे आऊँ और मुझे ये बाई चांस मौका मिला है। अच्छा? मेरे इल्म में नहीं था, एक दोस्त ने रिकमेंड किया। ये तो मैम की बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मैंने बहुत लेट मैसेज किया रात को 12 बजे और इन्होंने मुझे मौका दिया। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे सारे सर सामिर साहब जिन्होंने मुझे बचपन में लेकर बड़ा ट्रेन किया, और मेरे वालिदैन की दुआएं मेरे साथ हैं, और रंगपुर की आवाम को मेरा सलाम है कि आप हिम्मत करें तो यहाँ तक पहुँच सकते हैं। जरा दम हो तो ये मट्टी बड़ी जरख है, यहाँ नहीं बहुत दूर तक जाएंगे इंशाल्लाह। हमें अभी नौजवान मिल्लत से बड़ी उम्मीद है। जी सर, जबरदस्त जी, थैंक यू। और अब आगे बढ़ते हैं, अब्दुल वहाब को मौका देते हैं। अब्दुल वहाब का ताल्लुक है नवाब शाह से और ये 4.5 घंटे का सफर करके कराची आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, तैयार हैं? शुक्र जी, बिल्कुल पक्की बात है। मुनसफीन की इजाजत? बिल्कुल फिर इजाजत है। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है? दोस्तों देखिए, देखिए खूबसूरत बागीचे, कुशादा सड़कें, साफ गलियां, कूड़े से पाक गलियां, सूंधी सूंधी खुशबू जिस्म में सरायत करती हुई, ना ही माल लुट जाने का मलाल और ना ही जान चले जाने का डर। अरे ये सवालिया चेहरे कैसे, ये बदहवास चेहरे कैसे, ये उस वतन का खाका है जो 1947 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मेरे और आपके सुपुर्द किया। लेकिन अली वकार, अफसोस सद अफसोस कि आज ये वतन उस शीरख्वार बच्चे का मंजर पेश करता है कि जिसकी जन्नत इस दुनियाए फानी से कूच कर गई है और वो अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा है। अली वकार, अली वकार सुनिए, सुनिए मुल्क में चीखते सन्नाटे, अली वकार खामोश लब और आवाज़ देती नजरें सवाल करती हैं कि जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। अली वकार, आज मेरा ज़मीर झुंझला जाता है जब मैं बिनते हव्वा किसी सिनफ़े नाजुक को मर्दों के जम्मे गफीर के अंदर एक आटे के थैले के वास्ते जिद्दोजहद करते देखता हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है और कहने पे मजबूर हो जाती है कि जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। अली वकार, आज इस वतन में सच्चाई के अलमबरदार अरशद शरीफ जैसे सहाफ़ी को कत्ल कर दिया जाता है तो अली वकार मेरी रूह सवाल करती है और कहने पर मजबूर हो जाती है कि पत्थर के सनम हो या मरमर के सनम, बुतकदों में इबादत नहीं होगी हमसे, झूठ भी बोलें और सदाकत के पैगंबर भी रहें, हमको बख्शो ये सियासत नहीं होगी हमसे, हमको बख्शो ये सियासत नहीं होगी हमसे। अली वकार, मैंने देखा, इन नजरों ने देखा कि किस तरीके से लियाकत अली खान की लियाकत को लियाकतबाद में शहीद किया गया और इस कौम को लहद में उतार दिया गया। अली वकार इन आंखों ने देखा कि किस तरीके से हुक्मरान गोरे आकाओं के काले जूते चाटने में मसरूफ थे। अली वकार इन आंखों ने देखा कि किस तरीके से रेमंड डेविस वतन में कानून को रोनता हुआ चला जाता है। अली वकार इन नजरों ने देखा, इन निगाहों ने देखा कि किस तरीके से बड़े लोग छोटी रकमों में बिक जाते हैं। अली वकार बड़े लोग छोटी रकमों में बिक जाते हैं। अली वकार हम देखते रह गए, लेकिन अब हम देखेंगे कि जिस मुल्क का हम 73 साल से इंतज़ार कर रहे हैं वो ज़रूर आएगा, क्योंकि किताब सादा रहेगी कब तक, कहीं तो आगाज़ बाब होगा, किताब सादा रहेगी कब तक, कहीं तो आगाज़ बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। और वो दिन गए कि जब हम सितम को अदाए महबूब कह के चुप थे, अभी जो उठी ईंट हम पर तो पत्थर उसका जवाब होगा। शहर की खुशियां मनाने वालों जरा शहर के तेवर समझो, अभी तो इतनी घुटन बचे बढ़ेगी कि सांस लेना हराम होगा। आपका वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड, मेरे पास वक्त कम होता है, हमें जजेस को भी वक्त देना होता है, तो जब मैं खड़ी हो जाऊँ मैं चाहती नहीं हूँ कि आपकी डिबेट खराब हो, रुके, लेकिन फिर मुझे इशारेबाजी करनी पड़ती है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज टाइम ऑल्सो। ओके जी, लेट्स गो ऑन, क्योंकि वक्त कम है। मुफ्ती साहब आपसे शुरू करते हैं। माशाल्लाह, मैं तो सच्ची बताऊं कि आज मैं तजब्जुब का शिकार हूं। मुफ्ती साहब से मैं ये कह रहा था, बिस्मा बहुत खूब बोली, बहुत ज़बरदस्त, लेकिन थोड़ा सा एतमाद की कमी नज़र आई, और अली हमज़ा ने तो कमाल कर दिया। वाकईतन पता लग रहा था कि ये पंजाब का कोई गबरू है, ये सीने के ज़ोर से बोल रहा है। अल्लाह ताला इनको मज़ीद बरकत अता फरमाए। तकरीबन सब चीज़ें इनकी अच्छी थी, और अब्दुल वहाब भी बहुत खूब बोले, लेकिन थोड़ा सा जो है ना वो
उतार चढ़ाव में मुझे कुछ कमी नज़र आई। तो अली हमज़ा मेरे नज़दीक फर्स्ट हैं और अब्दुल वहाब सेकेंड हैं और बिस्मा थर्ड हैं। ओके जी, इससे पहले कि हम आगे बढ़े मुफ्ती साहब के पास, मुफ्ती नूर रहमानी के पास, मैं तमाम जो हमारे यहाँ कंटेस्टेंट्स उनको बताती चलूँ कि जो भी फर्स्ट आते हैं यानी जो भी जजेस डिसाइड करते हैं कि फर्स्ट होगा उसको मिलेगा 50,000 रुपये की मेंबरशिप वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की। फैमिली समेत आप लोग को मेम्बरशिप मिलेगी, यानी आप, आपकी बहन भाई और फैमिली इन्जॉय कर सकती है वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क। लेट्स मूव ऑन, मुफ्ती नूर रहमान। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज ऐसा लग रहा था कि हम तीनों का इम्तहान है। बहुत कमाल बोले आप सब लोग, और आज पहली मर्तबा सीने का भी जोर था और अल्फाजों का भी जोर था। आप तीनों के लिए शाबाश। और याद रखिएगा, इस मुकाबले में कोई सीखता है और कोई जीतता है, तो कोई आगे पीछे तो कोई घबराना नहीं आपको। अच्छा, बिस्मा बच्ची ने बहुत अच्छी बात की, मैं कहीं कहीं तलफ़ुज़ की अदायगी में गलतियाँ थी। अली हमज़ा बहुत बेहतर थे, मैं कुछ और कोशिश करें ताकि आपकी कुछ खामियाँ हैं बेटा रवानी के हवाले से, रवानी बहुत ज़्यादा है, कहीं उतार होता है कहीं चढ़ा होता है, वहाँ आपकी गलतियाँ थीं। अब्दुल वहाब आप में तलफ़ुज़ की गलतियाँ बहुत ज़्यादा थीं, ठीक है, रवानी की गलतियाँ थीं और उतार चढ़ाव की भी गलतियाँ थीं। अब फर्स्ट जो है वो अली हमज़ा हैं, सेकंड अब्दुल वहाब हैं और थर्ड बिस्मा हैं। अच्छा, नंबर भी सिर्फ एक एक नंबर, 24 नंबर अली हमज़ा के, 23 अब्दुल वहाब के और 22 बिस्मा के, बहुत मार्जिन नहीं है। ठीक है जी, दो दफ़ा अली हमज़ा हो गए, लेकिन फिर भी आपा से भी हम पूछेंगे। जी आपा, ये बहुत मुश्किल था आज का फैसला, इसलिए कि आज इन तीनों ने, डिबेटर्स ने इतने अच्छे ख्यालात पेश किए कि ये बड़ा मुश्किल था। जब बिस्मा ने पहली मरतबा स्पीच की तो मैं समझ रही थी कि इससे अच्छी अब स्पीच कोई आ नहीं सकती, और बिस्मा ने ख़त्म कर दिया था, लेकिन उसके बाद अली हमज़ा है, अली हमज़ा ने उनसे ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स पेश किए। अच्छा, और अब्दुल वहाब के भी बहुत अच्छे पॉइंट्स थे, मुझे ये लग रहा था इनके बच्चों को दिल की आवाज़ थी, इसलिए कि जिन्होंने हमारे मुल्क को, हमारे घर को उजाड़ा है, तो अज़ाब तो यकीनन उनके ऊपर नाज़िल होगा। बहरहाल, मेरी तरफ से पहले नंबर पर अली हमजा, दूसरे नंबर पर हैं बिस्मा और तीसरे नंबर पर हैं अब्दुल वहाब। जिसका मतलब क्या हुआ, अली हमजा मुबारक हो भाई, पंजाब से आए कराची और कराची लूट के ले गए। आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ, कांग्रेचुलेशन। और आप दोनों भी, यू गाइस वर एक्सीलेंट एंड खुश रहो, आबाद रहो, तुम्हें सिर्फ यहां नहीं बहुत आगे जाना है। बहुत खूब, बहुत। ओके जी, ले आए मेरा कोलगेट का गिफ्ट हैम्पर ऑन, आप अपने घर लेके जाएंगे। शाबाश, ला मुझे दे दो, थैंक यू सो मच जी। आज सही कह रहे हैं मुफ्ती साहब, जुम्मे का रोज़ा है सबको हो रहा है। ये कोलगेट की तरफ से तमाम देखने वालों को, और आपको भी बताती चलूँ कि अगर आप उम्रा की सआदत हासिल करना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बल्कि आपके पास ये कोलगेट है ना, आपने सिर्फ इसको स्क्रैच कर, आपने सिर्फ इसको खोलना है। जब खोलेंगे तो आपने नंबर पर कॉल करना है 0302-2654-283, इसके अंदर कोड होगा, मिस कॉल आप देंगे इस नंबर पर, वो कॉल बैक करेगा आपको, आप कोड डायल करेंगे और कुरानदाजी में शामिल हो जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट, उम्रे की सआदत के लिए कुरानदाजी में शामिल हो जाएंगे इंशाल्लाह, क्या पता इसके साथ साथ उम्रे की सआदत भी हासिल हो जाए। और ये बताती चलो, 25 अप्रैल आखिरी तारीख है, तो उससे पहले जितने से जितना कोलगेट मिसवाक खरीदें, हो सकता है कि आपको एक्चुअल में फ़ायदा हो जाए। और साथ साथ वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की तरफ से 50,000 रुपये की एक साल की आपको फैमिली मेंबरशिप मिली है, तो बुलाएं फिर पंजाब से पूरी फैमिली को। ओके जी, इसके साथ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक पे जाएंगे और तुम कहीं नहीं जाओ ना, तुम इधर खड़ी हो जाओ, हम साथ ब्रेक पे जाएंगे। चले जी, हम सब साथ मिलकर ब्रेक पे चलते हैं, कहीं मजा आएगा। इधर जनाब, वेलकम बैक टू नूर रहमान, इश्क रमज़ान। और अब क्योंकि रमज़ान है और रमज़ान में सेहत, लोग बड़े परेशान होते हैं कि हम किस तरह अपनी सेहत का ख्याल रखें, जबकि रमज़ान में आपकी सेहत और बेहतर हो सकती है रोज़े की वजह से, लेकिन क्या क्या मसाइल पेश आते हैं, डॉक्टर्स के पास तो हम जाते हैं, तिब के मामलात में हम किस तरह इलाज कर सकते हैं, अपनी सेहत को बेहतर कैसे कर सकते हैं। और उसके साथ साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह सुभान व तआला ने कोई बीमारी ऐसी नहीं भेजी, नहीं पैदा की, जिसका इलाज नहीं हो सकता सिवाय बुढ़ापे का। तो चलते हैं अपने सेगमेंट रमज़ान और सेहत की तरफ। रमज़ान और सेहत जो सेगमेंट है, ये बनोरिया, जामिया बनोरिया की तरफ से पेश किया गया है, और मेरे साथ इस सेगमेंट में जो मेहमान है वो मौजूद है, हकीम ज़ुबैर अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप हकीम साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र। आज जो हम बात करें ना, जो मुझे भी फील हो रहा है थोड़ा थोड़ा, सर का दर्द, डिजीनेस, फटीग, मतलब फोकस ना करना, तो ये बेसिकली किस किस बायस से होता है और इससे निजात कैसे हम हासिल कर सकते हैं?
सर का दर्द सबसे पहले तो इस चीज़ को समझ लीजिए, बजाते खुद कोई बीमारी नहीं है। ओके। लोग अमूमन जब सर का दर्द होता है तो क्या करते हैं जी, फौरी तौर पे पेन किलर लेते हैं और वो फौरी तौर पे उनका दर्द ख़त्म हो जाता है, वो मुतमईन हो जाते हैं। सर का दर्द कई वजूहात की बिना पर होता है, उन वजूहात को ढूंढना पड़ता है, उन वजूहात की तशखीस करना पड़ती है और उसके ऊपर फिर काम करना पड़ता है। इसकी मिसाल आप यूँ समझ लीजिए दर्द सर की, कि जब सर का दर्द हुआ हमने फौरी तौर पर पेन किलर लिया, हालांकि पेन किलर जो है वो तो एक नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि दर्द की कातिल, दर्द को ख़त्म करने वाला। बिल्कुल। सर दर्द वजूहात इनकी ढूंढना पड़ेगी। अब देखें, एक गाड़ी आप ड्राइव कर रही हैं, कार ड्राइव कर रही हैं, गाड़ी में मुख्तलिफ दिए हुए होते हैं इशारे, ठीक है, एक इशारा उनके अंदर होता है, एक रेड लाइट जल जाती है, मतलब कि अब आपकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म होने वाला है। अब कोई होशियार सा आदमी क्या करे कि वो पेट्रोल की लाइट ख़त्म करने के लिए वो तार को काट दे, लाइट तो ख़त्म हो जाएगी, निशान तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो असल मसला था पेट्रोल वो वैसे का वैसा ही है। ये इंडिकेशन है कि लाइट जल रही है, इट्स मीन कि अब आपका पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, आपने पेट्रोल डलाना है, ना कि उस तार को काट के उस लाइट को बंद करना है। बिल्कुल। तो इसी तरह से सर का दर्द अलार्म कि आपके अंदर कोई ना कोई बीमारी चल रही है। अच्छा, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं दर्द सर की। नॉर्मली खैर जिस माशरे में हम रह रहे हैं वहाँ पर टेंशन एक बहुत बड़ी वजह होती है, एनजाइटी बहुत बड़ी वजह होती है, हवाओं का शोर चाहे वो तेज़ हो या गर्म हो, जब आपकी समाज से टकराती हैं उसकी वजह से भी सर का दर्द आपको होता है। इसके साथ चूंकि लाइफस्टाइल बिल्कुल गलत हो चुका है, सोने उठने का रूटीन ख़राब हो चुका है। सही। देर तक सोना या कम सोना या बेवक्त सोना, सूरज ढलने के बाद तक सोते रहना, ये सारी वजूहात भी सर के दर्द की हो सकती हैं। इसके साथ कुछ दिमागी अमराज भी हैं, जैसे ब्रेन ट्यूमर हो गया, आपके दिमाग में फोड़े का निकलना हो गया, इन वजूहात की बिना पर भी सर का दर्द हो सकता है। लेकिन मोस्टली जो है 90% सर के दर्द की वजह आपका पेट होता है, आपका पेट होता है, आपका मैदा होता है। आपके जिस्म से मैदे से गैसेस निकलती हैं, वो आपको तंग करती हैं कभी कहीं पर कभी कहीं पर। तो मुशाहदे के अतबार से, तिब के अतबार से 90% सर का दर्द की सबब आपका मैदा, आपका पेट होता है। अब इसका सलूशन क्या है, इसका हल क्या है? सबसे पहली चीज़ डाइट बैलेंस, डाइट कंट्रोल, ठीक है। अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, इसके अंदर खसूसी तौर पर अपनी ग़िज़ा को तवज्जो दी जाए, जो तली हुई चीज़ें हैं इस चीज़ों से परहेज़ किया जाए। दूसरा, इसके लिए इलाज बिल ग़िज़ा की तरफ अगर हम आएँ तो इलाज बिल ग़िज़ा के अंदर इसका बहुत ज़बरदस्त सलूशन है चुकंदर का जूस और इसी तरह गाजर का जूस। इसी तरह नीम गर्म दूध के अंदर आप इसके अंदर हल्दी शामिल कीजिए, इसके अंदर आप इलायची शामिल कीजिए, इसके अंदर आप सौंफ शामिल कीजिए, इसको अच्छी तरह बॉयल करके हल्का गर्म आप फिर इसको इस्तेमाल कीजिए, तो ये सर दर्द के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, सर दर्द में ही एक कंडीशन ऐसी आती है जिससे हम दर्द शकीका कहते हैं, आधे सर का दर्द माइग्रेन, उसके लिए और उसकी भी वजूहात हैं। उसकी इस वक्त जो सबसे बड़ी वजह सामने आ रही है वो आ रही है स्क्रीन का इस्तेमाल, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्क्रीन का इस्तेमाल। तो उसका बेहतरीन सलूशन तिब के अंदर जो मौजूद है, ग्रीन टी जिसको हम कहते हैं, कहवा, सब्स चाय वो आप ले लीजिए, या सादा हल्का गर्म पानी आप ले लीजिए, उसमें लेमू और शहद मिला के इस्तेमाल करने से ये जो शकीका का दर्द है, दर्द शकीका आपका माइग्रेन, ये किसी हद तक बेहतर हो जाता है। अच्छा, क्या बोला आपने, ग्रीन टी में नींबू और लेमू और शहद माइग्रेन के लिए अच्छा है? बहुत अच्छा है। बड़ी महंगी महंगी लोग इसके लिए तो बहुत दवाइयां ले रहे होते हैं, मेरी क्योंकि मेरी बहन ना नहीं ये वाली, मुझे तो यही इम्पोर्टेड वाली चाहिए। देखिए, दवाओं की तरफ हम तब जाएं जब एक मसला इलाज बिलकिदा से बेहतर ना हो। हम तिब का जब मुताला करते हैं ना, खास तौर पे तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन मुआलिज हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अच्छा ना कोई डॉक्टर, ना कोई तबीब, ना कोई हकीम। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मरीज के पास जाते तो सबसे पहले उसको दुआ देते हैं, ला बासा तहूरन इंशाअल्लाह, गम ना करो, फिक्र ना करो, ये बीमारी तुम्हारे गुनाहों को धो डालेगी। उसके लिए दुआ फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा अज़िल बासा रब्बन नास वश्फी अंता शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफाउ ला युगादिरु सक़मा। फिर उसके ऊपर दम करते या दम बताते। तो पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि अद्वियात चाहे वो हकीमी हो, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो, अद्वियात से कम ताल्लुक़ को जोड़ना चाहिए। इलाज बिल ग़िज़ा की तरफ आना चाहिए, अपने ऊपर पढ़ के दम करना चाहिए। क्योंकि मैं रूहानी मुआलिज भी हूँ तिब के साथ साथ, तो मेरे अक्सर मरीज़ इवन के कैंसर के ऐसे मरीज़ हैं जिनका इलाज हम दवाओं के साथ साथ दम के ज़रिए भी करते हैं, क्योंकि दम में बहुत दम होता है। सर के दर्द के लिए आप सूरह फातिहा 3 बार, इसी तरह सूरह इखलास 3 बार और आयतुल कुर्सी 3 बार पढ़ के अपने हाथों पे दम करके अपने सर के ऊपर फेरेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहिए दर्द बेहतर हो जाएगा। लेकिन चूंकि इलाज सुन्नत है तो इलाज की तरफ भी प्रॉपर आइए। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं, रोज़ा खोलने के बाद हम बहुत सुस्त पड़ जाते हैं, ठीक है, और फौरन से नमाज भी कितनी मुश्किल से पढ़ी जाती है। अक्सर लोग तो
कुछ लोग बड़े स्मार्ट होते हैं, थोड़ा सा रोज़ा खोलते हैं फ़ौरन से नमाज पढ़ के फिर बैठ के खाते हैं, कुछ लोग अच्छा खासा पेट भरे होते हैं वो फिर नमाज पढ़ना भी मुश्किल होता है, और अगर पढ़ भी लिए तो उसके बाद सुस्ती और नींद आती है। तो ये वजह क्या, ज़्यादा खाने की वजह से हम क्या करें इफ्तार की टेबल पे, ऐसा क्या करें कि हम जरा बैलेंस रखें चीज़ों को? देखिए, ये कल ही प्रोग्राम था बनूरी टाउन बनूरी मीडिया के तहत जामिया के अंदर, तो ये सवाल वहाँ पर भी आया था कि रमज़ान में अफ्तार के वक्त हम क्या करें। तो मैंने एक मुख्तसर सा जवाब उनको दिया था, वही जवाब यहाँ भी आपके नाज़रीन को देना चाहूँगा कि अफ्तार के वक्त बिलीव करें कि मैदा भी परेशान हो जाता है, बल्कि हमसे नाराज़ हो जाता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कि अचानक से इधर पकौड़े आ रहे हैं, इधर समोसे आ रहे हैं, इधर जलेबी आ रही है, इधर चाट आ रही है, यानी आपका मैदा है, इसके साथ आपने थोड़ा सा यानी हुस्न सलूक करना है, जैसा अपने जिस्म के साथ भी एहसान का मामला रखना है। डाइट को मतवाजन रखें, ग़िज़ा को बैलेंस रखें। उसका तरीक़ेकार अफ्तार में सबसे बेहतरीन ये होता है कि खजूर से आप अफ्तार करें, जो कि सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, और उसके बाद अगर आपने मशरूब इस्तेमाल करना है तो मेरा मशवरा ये होगा कि बजाय इसके कि आप मस्नूई मशरूबात का इस्तेमाल करें, आप कुदरती मशरूबात का इस्तेमाल करें जिनमें सर फहरिस्त शहद होता है। दूसरी बात, अफ्तार बिल्कुल सादी होनी चाहिए। देखें, ये रोज़ा जो है ये सब्र सिखाता है, रोज़ा सब्र सिखाता है, और अफ्तार के अंदर जितना ज़्यादा बेसब्री का मुजाहरा होता है, मैं समझता हूँ नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर हमारे इतनी बेसब्री नहीं होती है। तो ग़िज़ा को बैलेंस रखें, हल्की ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, यह आपके मैदे के लिए भी अच्छा है, आपकी पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। सही, फ्रूट्स का इस्तेमाल खसूसी तौर पर। अच्छा, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया, पर मैं जल्दी से आपसे पूछना चाहूँगी कि सहरी में ऐसा क्या खाएँ जो हमें पूरा दिन एनर्जी दे, क्योंकि आज तो मैंने एक कबाब खाया और आज बोला भी नहीं जा रहा। लेकिन कबाब भी आपने पराठे के साथ खाया नहीं, बस एक ही कबाब खाया था, मुझे बहुत नींद आ रही थी, तो मैंने कहा हिम्मत भी नहीं थी, तो मैंने एक कबाब। सहरी के अंदर भी खजूर का मामूल बनाएं और शहद के शरबत का मामूल बनाएं, उसके साथ जो चाहें बेहतर गज़ा वो आप ले सकते हैं। तली हुई चीज़ों से अवॉइड करें, बस गर्म पानी, नहीं गर्म पानी में नहीं, सादे पानी में लीजिए। लेकिन कबाब चूंकि फ्राई आइटम है, मैं तो इसके खिलाफ हूँ, इससे कोशिश करें कि इससे बचें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया हकीम साहब। इसके साथ यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, देखते रहिए नूर रहमान इश्क रमजान। रहमान इश्क रमज़ान में खुश आमदीद, अली जमान ताजियो कवाल ने कलाम पेश किया, और अब वक्त है हम अपने सेगमेंट फैज़ हदीस की तरफ बढ़ते। जनाब फैज़ हदीस में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद सरवादा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आज हम क्या सीखने वाले हैं आपसे? आज का जो हदीस है बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि दो पहलू से हम डिस्कस करना चाहेंगे इंशाअल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व बाद। قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها, और इसी तरीके से واتقوا الله ويعلمكم الله, ये दो आयतें हैं बज़ाहिर एक तकवा की तरफ है, अल्लाह का खौफ और अल्लाह के डर, द फियर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एक ये है। फिर दूसरे में जहाँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फ़ी बकोरिहा, यहाँ इशारा है उन अवकात की तरफ जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान के दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाते हैं। यूँ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के 24 घंटे में ऐसा लम्हात रखे हैं जहाँ इंसान के दुआ को कबूल फरमाते हैं, लेकिन कुछ मखसूस अवकात है जिसके अंदर हमने उसको बाकायदा एहतमाम से देखना है, वो ख़ास करके रमज़ान के महीने के अंदर, चूँकि ये महीना ऐसा है जिसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने मुतालिबात और इल्तिजा और दुआएँ मांगनी है। एक टाइम है, क्या है, फजर की नमाज के बाद तुलू आफ्ताब तक, फजर के नमाज पढ़ते इंसान सुबह मॉर्निंग प्रेयर, जैसा उससे फारिग हो वो अपने उसी जगह पे बरकरार रहें, वहीं पे बैठे रहें, कब तक तुले आफ्ताब तक अगर रहता है। डॉक्टर साहब, क्या ये वही वक्त है जब फरिश्ते चेंज हो रहे होते हैं? एग्जैक्टली, फरिश्ते चेंज हो रहे, उसमें हुज़ूर अकरम सल्लम फरमाते हैं फ़ी हाज़ल वक्त तुक़स्समुल अरज़ाक, उस वक़्त या तुवज़्ज़ुल अरज़ाक, इंसान के रोज़ी इंसान के रिज़्क उस वक़्त तकसीम हो रहा होते सुबह के टाइम। अच्छा। इसी तरीके से शाम के टाइम ये दो अवकात ऐसा है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाकायदा कुरान के अंदर में भी फरमाते हैं वमिन अल्लैल फसब्बिहु अदबारा नुजूम फसब्बिहु अदबारा सुजूद, और इसी तरीके से रात के हिस्सा के पहले है। शाम के टाइम का जो है वो है अफ्तारी के वक्त,
कब है, ये है गुरूब आफ्ताब से पहले। अफतारी के टाइम अगर हम देखते हैं, चूँकि रमज़ान का महीना है, उसके अंदर घर वाले जो होते औरतें बेचारे, वो इस टाइम से क्योंकि अफतारी की तैयारी करने में लगे रहती है, तो ये उस वक़्त वो दुआ करने से क्या है बेचारी रह जाती है। लेकिन यह है उनके लिए फिर भी खुशखबरी है, चूँकि जो इफ्तारियाँ तैयार कर रहे हैं वो रोज़ादारों के लिए, घर वालों के लिए, उनके हर एक एक पूरा पूरा रोज़ा का अजर उनको मिलती है। वला युनक़सु मिन उजूरिहिम शैया, और रोज़ादार के रोज़े के नेकी के अंदर कोई कमी नहीं, उसको भी पूरा मिलेगा और जिसने इसको इफ्तारी कराया उसको भी मिलेगा। लिहाजा वो दुआ भी कर रहे, आप अपने साथ साथ करते रहे जिस तरीके से भी है, लेकिन मर्द हजरात को चाहिए कि इस टाइम का एहतमाम करें, क्योंकि उस वक़्त ख़ास करके दुआ सौम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तीन लोगों की दुआएं कबूल की जाती है, ए फास्टिंग पर्सन एक, और एक है मुसाफिर, ए ट्रैवलर और या ए पैसेंजर, और तीसरा फरमाते हैं मज़लूम, जो बंदा मज़लूम उसका दुआ लैसा बैना व बैन अल्लाह हिजाब। इन दोनों, अब फास्टिंग पर्सन, हमने क्या कर दिया कि रमज़ान को हमने फास्टिंग के बजाय उसको फीस्टिंग बना दिया, क्या मुख्तलिफ तर के खाना के तैयार करने में हम वो दुआओं से रह जाते, इस टाइम का अहमियत। डॉक्टर साहब, ये फीस्टिंग भी, उसके अलावा सारे नाइट मैचेस होते हैं, थ्रो बॉल मैचेस रमज़ान स्पेशली आखिर की रातों में तो सबसे ज़्यादा होते हैं, पूरे साल नहीं होंगे लेकिन रमज़ान के अंदर पता नहीं सबको एक्साइटमेंट होती है कि हम रात भर नाइट क्रिकेट खेलेंगे। एक्चुअली ये अफसोस की बात है ये कि फीस्टिंग होनी चाहिए मस्जिद के अंदर, बिल्कुल अल्लाह के घर के अंदर, जितने क़ियामुल्लैल हो जाए, जितने हम नमाज़ें पढ़ सके, कुरान के साथ फीस्टिंग हो जाए, क्योंकि रमज़ान जो महीना है, क्या है, शहरुल इबादत, शहरुल कुरान है, शहरुत तौबा है, तौबा करे इंसान, अल्लाह से मांगे, ये वो आमाल है जिसको हमने रमज़ान के अंदर ज़्यादातर करना चाहिए। एक और वक़्त रह गया था है रह गया है सहरी का टाइम, सहरी का तीसरा वक़्त जो है, एक सुबह एक शाम, और तीसरा सहरी का टाइम भी बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है। उस वक़्त इंसान अपने जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ गिरगिराए और मांगे, चूँकि फरमाते कि जब रात के तीसरा हिस्सा हो जाते तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या है समा दुनिया की तरफ आ जाते, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं हल मिन दाइन फयुस्तजाब लह, क्या ऐसा कोई है जो दुआ मांगता है उसके दुआ कबूल की जाए, ऐसा कोई है जो तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं उसकी मग़फ़िरत कर दूँ, ऐसा कोई है जो कुछ चाहते हैं तो मैं इसको इनायत कर दूँ, तो ये है वो वक्त है सहरी का। फिर उसके बाद मुत्तसिल फजर के नमाज के बाद का भी टाइम है, इतने मौके मिलते हैं। अच्छा, आज जुम्मा है तो कहते हैं जुम्मे को भी असर और मगरिब के दरमियान क्या कबूलियत का वक्त होता है? ये जो तीन अवकात ये बयान फरमाया वो अलग है, उसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारा ऐसे मौके दिया है इंसान को जिसमें दुआएं कबूल फरमाते हैं, जुम्मा के नमाज के बाद, असर के नमाज से लेकर मगरिब तक का जो टाइम है बिल्कुल कबूलियत के दुआ है, अजान के दौरान, जिस अजान ख़त्म हुआ और इकामत से पहले ये बीच का जो गैप का टाइम है, अगर बंदा नमाज बावजू होके अल्लाह से मांगना शुरू करते, ये सारे इजाबत के वक्त का है। बोनस अल्लाह ताला ने कितना बोनस दिया है अगर हमें पता हो समझ ले तो, ये सारे बोनस पॉइंट्स हम जमा करते रहें हमारे लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल था, मेरे ख्याल से जहन से आके निकल गया, बड़ा ही कोई इंपॉर्टेंट सवाल हो, मैं इतनी देर से सोच रही थी कि मैंने ये पूछना था कि जैसे जो दुआ हम करते हैं तो ये क्या ये सही है कि आप जब नमाज में होते हैं और आप नमाज ख़त्म कर रहे होते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, तो दुरूद शरीफ के बाद और रबी जालनी वो वाली जो दुआ है उसके बीच में आप तमाम अपनी जो दुआएं कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, इंसान दुआ मांग सकते हैं, लेकिन ये है कि जो दुआया मसनूना है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो मनकूल दुआएं हैं अरबी के अंदर हो तो वो बेहतर है, ना कि अपने ज़बान में बेहतर है। लेकिन उस वक़्त इंसान क्योंकि नमाज के बाद फौरन मुत्तसिल भी दुआ मांग सकते हैं, लेकिन उस वक्त भी अगर दुआएं मसनूआ खास करके जो कुरान के अंदर जिक्र है तो वो मांगते रहे, कोई मसला नहीं। ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच। अब मेरे भी 10 सवाल आ रहे होते हैं ना बीच बीच में, मैं कहती हूँ मैं भी पूछूँ, क्या पता मुझ जैसे भी उनके जहन में भी देखने वालों के आ रही थी। अभी आप डॉक्टर साहब से पूछ रही थी कि वो जो नाइट मैचेस होते हैं सब कुछ होता है, हमने उसमें शॉपिंग की तो बात की नहीं, बिल्कुल 30 दिन का रमज़ान होता है, सबको मालूम होता है कि अब रमज़ान मुबारक के बाद ईद-उल-फितर आएगी, मगर इसके बावजूद कुछ ना कुछ काम रह जाते हैं, दुपट्टे पे पीको बनवाना है और कुछ ना कुछ। और देखिए नाइट मैचेस है वो अलग चीज़ है, वो लगवियात में आ जाते, इतना इंसान उसमें ना लगे कि इबादत के लिए उसको टाइम ना मिले, वरना फ्रेश होने के लिए मैच खेल सकते, कोई मसला नहीं है उसमें है, लेकिन उसको एक
محدود مدت کے لیے کھیلو, اس کے بعد پھر اپنا عبادت میں مشغول میں ہو جائے, اللہ سے دعا مانگتے رہے. دوسری بات آپ نے کہی ہے شاپنگ کے حوالے سے, شاپنگ بالکل کر سکتا ہے انسان, اس میں کوئی قل من حرم زینۃ اللہ الذی اخرج العباد اخرج العباد. لیکن ڈاکٹر صاحب میں دیکھتی ہوں کہ بہت سارے لوگ اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ وہ اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں, نمازوں کا وقت جا رہا ہوتا ہے, وہ بازاروں میں پھر رہے ہوتے ہیں, تو یہ بہت تکلیف دہ ہے. یہ تکلیف دہ واقعی میں یہ ایسے لمحات ہے جو سوچنا چاہیے انسان کو کہ جب کہہ دیا کہ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑے, باقی سب کچھ چھوڑ دے, اللہ مسجد کی طرف دوڑو, رکھا نماز پڑھ لو, اس کے بعد آ کے اپنے شاپنگ جاری رکھو, اس کا کوئی ممانعات نہیں. ہاں لیکن ہر چیز کو اس کے ایک مقدار میں کرنا چاہیے, تجاوز سے حد سے تجاوز نہیں ہونی چاہیے. بیلنس بہت ضروری ہے ہماری زندگی میں, اور ہم فیض حدیث کے ذریعے یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم سیکھتے رہتے ہیں جو ہمارے ہی فائدے کے لیے ہوتی ہیں. ڈاکٹر سروادہ ہمیں سمجھاتے رہتے ہیں, سکھاتے رہتے ہیں, اور ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہم تک پہنچاتے رہتے ہیں اور ہم آپ تک. یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک کے بعد ہم واپس حاضر ہوں گے. آپ نے کہیں بھی نہیں جانا, یہی رہے گا, کیونکہ میں جلدی سے جاؤں گی اور واپس آؤں گی. دیکھتے رہیے نور الرحمان عشق رمضان. تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں, بے سہارا ہم نہیں, خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے, راستے میں گر پاؤں تھک جائیں گے ہم, مدینے میں تنہا نکل جائیں گے, اور قصدن بھٹک جائیں گے ہم, وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے لو تھک جائیں. سونا بات بڑھ جائے گی, دل تڑپ جائے گا, میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے, فاصلوں حافظ ولید حسن نے اپنی آواز کا کتنا خوبصورت استعمال کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کر کے. اور آج کی جو افطار کی نشریات ہے اس کی شروعات بھی آپ ہی کے واسطے ہوئی قرآن حکیم کی تلاوت سے. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ مفتی صاحب کے جن کو یہ موقع ملتا ہے, جو اپنی آواز کا اتنا بہترین استعمال کرتے ہیں. ماشاء اللہ. اب میں اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھوں گی, لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں, یہاں میرے ساتھ مہمان, کچھ نئے مہمانوں نے ہمیں جوائن ان کیا ہے. ہمارے لیے نئے نہیں ہو, یقیناً آپ کے لیے بھی نئے نہیں ہوں گے, کیونکہ روز آپ کے گھر میں ہم موجود ہوتے ہیں. میرے ساتھ ابھی مجھے جوائن ان کیا ہے مفتی محمد افنان نے, مفتی عبد الرؤف نے, مفتی سعید ذوالفقار علی گیلانی نے, ڈاکٹر سرود عسکری ہمارے ساتھ ہیں. اور چلتے ہیں سوال کا جواب کی طرف. سوال
सवाल का जवाब, किसके सवाल? आपके सवाल और उलमा कराम देंगे जवाब। तो जल्दी से फ़ोन उठाएं और जितने भी सवाल आपके जहन में हैं, जो आपने नोट किए हैं, पॉइंट डाउन किए हैं, कॉल करें और फ़ौरन से पूछें ताकि हम उलमा कराम से आपके सवालों के जवाब फ़ौरन। लेकिन सबसे पहले मेरे पास कुछ सवाल मौजूद हैं, जब तक आपकी कॉल्स आती हैं मैं अपने सवालों के जवाब लेती हूँ। ठीक है जी, सवाल आता है कि किसी शख्स ने एक जगह ईद की नमाज़ पढ़ी और अपने वतन वापस आ गया, अब जहाँ आखिरी रोज़ा चल रहा है, तो क्या उसको दोबारा ईद की नमाज़ पढ़नी पड़ेगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। जी, ऐसा है कि अगर किसी को दूसरे वतन में उसने जो वहाँ के हिसाब से रमज़ानुल मुबारक गुजारा है, तो अब जिस ज़मीन की तरफ या जिस वतन की तरफ, दूसरी जगह की तरफ उसने सफ़र किया है, तो अब वहीं के हालात के हिसाब से वहीं की रियायत करते हुए, अगर उसको उस वतन में रोज़ा है तो वहाँ रोज़े के हिसाब से, रोज़े के अदब में उसको रोज़ा भी रखना होगा, और अगर ईद की नमाज़ है तो ईद की नमाज़ भी अदा करनी होगी। ठीक है। अच्छा मुफ्ती ज़ुल्फ़िकार, मुझे बताएं कि जनाजे को कांधा देने के लिए कि कहते ये हैं कि अगर तुमने जनाजे को कांधा देना तो कम अज़ कम तुम जनाजे के साथ 40 कदम चल पाओ, अगर नहीं चल पाओगे तो कांधा मत दो, ये बात सही है? ऐसा होता है क्या, कोई रिक्वायरमेंट है? ये यूँ समझिए कि मुस्तहब अमल है, और जनाजे को कांधा देना एक बहुत अच्छा और कार्य सवाब अमल है। एक कदम के बदले एक गुनाह कबीरा मुआफ़ होता है, ये बाकायदा इस तरह की रिवायात मौजूद हैं। तो उसमें ये कि कुछ लोग जो हैं वो सुन्नत से भी ये बात साबित करते हैं, कुछ उलमा, कि 10 कदम राइट हैंड, 10 कदम फिर वही राइट पाँव की तरफ, फिर 10 कदम लेफ्ट हैंड, फिर 10 कदम लेफ्ट पाँव की तरफ, तो इस तरह 40 कबीरा गुना माफ़ हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात याद रखिएगा, जहाँ गुनाहों की माफ़ी का जिक्र है, ये बड़ा अहम पहलू है, और मैं ये चाहूँगा कि तमाम लोग इसको बड़ी तवज्जो से सुने। आदी से तय्यबात में जहाँ गुनाहों की माफ़ी का जिक्र है, तो उससे मुराद वो गुनाह हैं जो हुकूकुल इबाद नहीं है। अगर किसी आदमी का हक खाया है, किसी को धोखा दिया है, किसी इंसान के साथ फ्रॉड किया है, या किसी को गाली दी है, किसी का नुकसान किया है, यानी कोई भी एक्स वाई जेड इंसानों के हुकूक में से किसी हक को तल्फ किया है, तो जब तक उससे माफ़ी नहीं मांगेगा या उसका हक नहीं लौटाएगा, उस वक्त तक अल्लाह ताला भी उसे माफ़ नहीं करेगा। तो बहरहाल बेहतर ये है कि 10-10 कदम चला जाए चारों तरफ, और अगर 10-10 कदम नहीं चल सकता, 2 कदम 4 कदम भी चलता है, तो फिर भी ये भी काफ़ी करते किफ़ायत है। कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है कि अब ये जब तक ज़िंदा था तो उस वक्त हमें कांधा देने का ख्याल नहीं था कि उठाना खुद ही पड़ता है, थका हारा बदन अपना, कि जब तक सांस चलती है कोई कांधा नहीं देता। या अल्लाह, बिल्कुल। या हमारे पास एक कॉल है, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सनम बहन, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, कौन बात कर रहे हैं? मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, बड़ा रेगुलर कॉलर रहा हूँ T1 का और तमाम शोज का, आपसे पहली दफा मेरी बात हो रही है। तमाम उलमा इकराम को सलाम हो, और मैं एक बात से इब्तिदा करूंगा कि तमाम उलमा की इज्जत का नाम पर फर्ज है, जो जो कौम उलमा और उस्तादों की इज्जत नहीं करती वो बेहरा रवि का शिकार हो जाती है। अच्छा, मेरा सवाल बड़ा मुख्तसर सा ये है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ उलमा हजरात से, जैसे रमजान का महीना आ गया तो हम बड़ा हम पे एक कैफियत तारी हो जाती है। मैं खुद अपनी बात करूँ तो सारी नमाजें मैं मस्जिद में पढ़ता हूँ, रोजे भी रखता हूँ और तमाम इबादत में शामिल होता हूँ, लेकिन होता ये है कि मैं अपनी बात करते हुए कहूंगा कि जब चांद रात आती है तो उसके बाद हमारी वो कैफियत खत्म हो जाती है एकदम से। हमने इतनी एक्सरसाइज की होती है लेकिन हम पे तारी नहीं होती वो चीज जो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए बाद में। तो मुझे उलमा ये बताएं तमाम हजरात के मैं क्या ऐसा अमल करूं या मेरे दिल में ऐसी क्या बात हो कि मेरे ऊपर वो कैफियत बाद में भी रहे और मैं उसी तरह अल्लाह की याद करता रहूँ। ये मेरा सवाल है, शुक्रिया। शुक्रिया जी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखा, रमज़ान की फर्जियत जो है ना जी, उसका मकसद ये बताया कि ताकि तकवा हासिल करो, ताकि तुम पाकीज़गी परहेज़गारी हासिल हो। और इसी तरह कुरान करीम में बड़ा सिंपल एक तरीका भी बताया है कि परहेज़गारी और तकवा किस तरह से हासिल किया जाता है। तो उसका एक तरीका, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा वकूनू मअस्सादिकीन, इसकी ज़िमन में अलामा आलूसी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि खालितुहुम हत्ता तकून मिसलहुम, के नेक लोगों के साथ इतना उठो बैठो मिलो जुलो हत्ता के उनका रंग तुम्हारे ऊपर चढ़ जाए और तुम मुत्तकी बन जाओ। होता क्या है कि रमज़ान का माहौल है, रमज़ान के महीने में एक पूरा इन्वायरमेंट बना होता है इबादत का, हर दोस्त जा रहे हैं, रिश्तेदार जा रहे हैं, देखा देखी
नेकी की तौफीक भी होती है, दिल से रगबत भी होती है, शौक भी वलवला होते हैं, लेकिन जैसे रमज़ान का महीना गुजरता है तो वो माहौल पूरा का पूरा जो है वो चेंज हो जाते हैं और दोबारा इंसान अपनी रूटीन है वो तो जी के साथ इंसान अपना सोशल सर्कल जो है उन्हीं लोगों के साथ रखे ताकि हमारे पास एक कॉल है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद बिलाल सिद्दीकी बात कर रहा हूँ। जी मोहम्मद बिलाल सिद्दीकी बताएं क्या सवाल है आपका। मेरा ये सवाल है कि कुरान को याद करने का हिफ्ज करने का क्या बेहतरीन तरीका है कि कुरान हिफ्ज हो जाए। ओके जी मुफ्ती मोहम्मद, हमारे दिलों में उतर जाए। मुफ्ती एक हाफिज को कुरान किस तरह हिफ्ज करना चाहिए, याद करना चाहिए, वो क्या तरीका का, मुफ्ती साहब से सवाल करूंगा। ठीक है जी, अफनान साहब आपके सवाल का जवाब देते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। देखें कुरान पाक के मुताल्लिक अल्लाह जल्ला शानू ने इरशाद फरमाया, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, नसीहत के लिए इसको आसान करार दिया गया है, और यानी अल्लाह जल्ला शानू फरमाते हैं कि हमने इसको आसान बनाया। तो इसलिए यह है कि अगर कुरान शुरू से हिफ्ज़ ही नहीं किया है तो फिर तो उसका तरीक़ा ये है कि उसको बाकायदा सीखा जाए, फिर तो उसकी इब्तिदा की जाए किसी अच्छे क़ारी साहब के पास जाकर, उनसे वक्त लेकर या किसी मदरसे में जाकर इसको बाकायदा हिफ्ज़ किया जाए। अगर हिफ्ज़ कर चुके हैं अब उसको बाकी रखना है तो उसके एक तो तरीका यह है कि जो हमारे यहाँ हाफिज़ों का तरीक़ेकार होता है कि साल भर कोशिश करते हैं कि वो रोज़ाना एक सिपारा कम से कम पढ़ लें, शाबान में एक से ज़्यादा दौर निकालते हैं और फिर जो है रमज़ान के अंदर तरावी में सुनाते हैं, इससे हिफ्ज़ पुख्ता हो जाता है। और एक और दूसरा तरीक़ा है, आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वो सिखाया था कि चार रकात खास तरीक़ा बताया जिसका पूरा हदीस की किताबों में तरीक़ा मिलता है कि सूरह फातिहा और फलानी सूरत इतनी दफ़ा पढ़नी है। तो इस तरह अगर उस जो है वो ज़िंदगी में जब उसको पढ़ लिया जाता है उस तरीके से तो तजुर्बा ये रहा है कि फिर वो जो कुरान पाक सीने से निकलता नहीं है वो महफूज रहता है। तो ये इसके तफसील है। तो ये किस कैटेगरी में इन्होंने अभी तक पढ़ चुके हैं तो उसके लिए अलग तरीका है, अगर अभी तक कुरान पाक नहीं पढ़ा है, हाफिज़ नहीं है, तो उसका अलग तरीका है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। एक और कॉल है मेरे पास, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सनम, आपकी क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं, कौन बात कर रही हैं? जी मैं नाजिया कराची से। नाजिया कराची से क्या सवाल है नाजिया? जी मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है, मेरी अम्मी जो है ना ख्वाब में मरे हुए लोग देखती है और गोश्त देखती है, इसका क्या मतलब है? गोश्त और मरे हुए लोग देखती हैं उसका मतलब क्या है? ठीक है जी, आपके सवाल का जवाब हम लेंगे लेकिन वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और इस सवाल का जवाब लेते हैं। ठीक है, चलते हैं ब्रेक पे। मदीद इस वक्त मेरे साथ उलमा कराम मौजूद है, हमारे साथ यहाँ स्कॉलर्स मौजूद हैं, आपके सवाल इनके जवाब। लास्ट कॉल आई थी और वो नाजिया की थी मेरे ख्याल से, नाजिया कह रही थी कि मुझे मेरी अम्मी को ख्वाब में मुर्दे लोग दिखते हैं और गोश्त, आपा क्या कहना चाहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात तो ये कि ये ख्वाबों की इल्म ताबीर का एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि ये शरई सवाल जवाब का प्रोग्राम है। तो लेकिन क्योंकि ज़माने कदीम से लोग ख्वाबों के इल्म की जानिब मुतवज्जो ज़्यादा रहते थे, लिहाजा आजकल भी मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग ताबीर जानना चाहते हैं। तो पहली बात तो ये कि मुर्दों का देना बहुत अच्छा हुआ करता है, और उसके अलावा हमको साइंस देखने चाहिए। अगर जैसे सब्ज़ा दिख रहा है, हरियाली दिख रही है, तो इसका मतलब ये कि वो अच्छा ख्वाब है, और अगर मुश्किलात नज़र आ रही हैं, परेशानियाँ नज़र आ रही हैं, तो उसका मतलब ये है कि वो ख्वाब में कुछ परेशानियाँ आने वाली हैं। ठीक है, थैंक यू आपा। मुफ्ती साहब, कुरान की तिलावत के दौरान सजदा तिलावत आ जाए और उस पर उस वक्त आपने सजदा नहीं किया तो क्या ये गुनाह है, गुजर जाए गलती से आप नोटिस ना करें उसे? तो जी जो है सजदा तिलावत जो है जिन मकामात पे जिन आयात पे करना होता है वहाँ सजदा वाजिब होता है और फौरी ही करना चाहिए, अलबत्ता किसी उज़र से किसी मजबूरी, मसलन बाज़ औक़ात ऐसा भी है कि ज़ुबानी तिलावत कर रहे हैं उस वक़्त वज़ू भी नहीं होता, यानी ज़ुबानी तो बग़ैर वज़ू के भी तिलावत की जा सकती है, तो उस वक़्त अगर आप उसको डिले करते हैं तो बाद में उसकी अदायगी जो है ज़रूरी है, और ये मकामात इंसान को याद रखने चाहिए, और जैसे ही मसलन जितनी दफ़ा आयते सजदा तिलावत की है मुख्तलिफ मकामात में तो फिर इतने सजदों की कज़ा लाजिम होगी और उसके बाद में इतने सजदे करने होंगे। अच्छा मुफ्ती ज़ुल्फ़िकार मुझे बताएं कि रात को अगर हम 1 बजे खाना खा लें, ठीक है, और सहरी के वक्त ना उठें और सिर्फ जब नमाज हो जाए तो फजर के लिए उठ लें और फजर पढ़ लें, तो ये इज़ इट ओके? ये सहरी के वक्त पे उठ के सहरी के वक्त उठना लाजिम नहीं, सहरी करना सुन्नत है, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है।
अगर आप सहरी करते हैं तो आपका रोज़ा फिर भी हो जाएगा, और अगर आप सहरी नहीं करते तो फिर भी आपका रोज़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक एहतियात ये है कि रात का खाना खाते हुए सहरी की नियत कर लें, कि आप जानते हैं कि अब लेट हो गए हूँ, दो बजे खाना खा रहा हूँ, तो अब मेरी आँख जो है फजर के आखिरी टाइम में ही खुलेगी, तो सहरी की नियत कर लें। अगर नहीं कर सके तो फिर जवाल के वक्त से पहले तक जो है निसफ नार, जिसको कहा जाता है, यानी दिन का जो दरमियान का हिस्सा होता है, उसको हमारे यहाँ ज़ोबा कुबरा भी कहा जाता है, जवाल का वक्त भी कहा जाता है, उससे पहले तक आपके पास वसात है, आप उस वक्त तक भी रोज़े की नियत कर सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया मुफ्ती साहब। अच्छा मुफ्ती अफनान, मुझे एक बात बताएं, अक्सर लोग बाहर मुल्क में शिफ्ट हो जाते हैं, जैसे अमेरिका वगैरह दीगर मुल्कों में, तो वहाँ क्या होता है कि अगर आपको कोई घर वर खरीदना है तो हर चीज़ वहाँ क्रेडिट पे चलती है, वहाँ क्रेडिट हिस्ट्री होना लाजमी है, क्रेडिट कार्ड होना लाजमी है, तो ऐसे मामलों में हमारा दीन हमें क्या कहेगा जहाँ इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग ज़्यादातर होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले ये सवाल बहुत ज़्यादा उठता था, अब इतना नहीं है, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक बैंकिंग का निज़ाम है, शरिया वे में मामलात हो रहे हैं, इस तरह दीगर ममालिक में भी, अमेरिका में, जापान में, कनाडा में, तो वहाँ पर भी अब ये है कि ऐसी ऑर्गेनाइज हैं, ऐसे बैंक मौजूद हैं जो इस्लामिक वे में मामलात करते हैं, जिसमें मुराबहा है और दीगर हाउस फाइनेंसिंग के जो इस्लामी तरीक़े हैं उसके मुताबिक वो घर देते हैं। इसलिए सबसे पहली जो है अपॉर्चुनिटी यही होनी चाहिए कि हम इस्लामिक वे में मामला करें, और अगर कोई ऐसी मजबूरी है कि हम वहाँ उनसे मामला नहीं कर सकते, या किसी ऐसे शहर में है कि जहाँ पर हमारा उनसे ताल्लुक़ नहीं है, या वहाँ कोई ऐसी सहूलत हमें फराहम नहीं हो रही, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर हमें ऐसा करना चाहिए कि वहाँ के मुसलमानों को मिलकर अपनी कोई ऐसी तरतीब बना ली जाए कि वहाँ जो है हम शरीयत के मुताबिक मामलात करें, सूदी उसमें मामलात ना करें। फिर भी कोई कर लेता है तो बाज़ उलमा इसकी गुंजाइश देते हैं, अगर बाज़ उलमा मना करते हैं, लेकिन एक बड़ी जमात गुंजाइश भी देती है कि वहाँ आप कर सकते हैं ऐसा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आप मुझे बताएं, सोशल मीडिया पर मैसेजेस आते हैं कि जिसकी भी नमाज़ें कज़ा हो गई हैं तो जुमतुल विदा पढ़े, इस तरह से नवाफिल पढ़ ले, तो क्या ये दुरुस्त है? नहीं, कज़ा नमाज़ें अपनी वैसे ही कज़ा उसी तरतीब के साथ उतारनी होंगी, और इस तरह का कोई तरीका नहीं है कि आपने कोई शॉर्टकट लगाया और आपने पूरे साल नमाज कज़ा करते रहे और उसके बाद जुम्मतुल विदा को एक चार रकअत नमाज पढ़ ली और वो सारा कज़ा अदा हो गया। उसका अजर सवाब बेशक ज़रूर होगा, लेकिन यह कि कज़ा अपनी पूरी करना ज़रूरी है। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा मुफ्ती राउफ, हमारे पास कॉलर आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? तुबा बात कर रही हूँ, कराची से। गुड तुबा, बिल्कुल ठीक, आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र। सनम आपकी, मुझे ये पूछना है, शादी के लिए कोई वजीफा है तो बता दें, और क्या बोलते हैं, और कुछ वो क्या बोलते हैं ना, आप कोई अगर ऐसा टॉपिक रखें कि गरीब की बेटियों की क्या शादी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे खानदान वाले जो हैं बहुत पैसे वाले हैं, तो वो लोग मेरे अपने को ही बहुत नीचा दिखाते हैं और मुझे भी, तो ऐसे ही कर करके मेरी अम्मी लोग बोलते थे कि आप यहाँ से चले जाए, मतलब हम लोगों को घर से भी निकाल दिया गया और हमें हिस्सा भी नहीं दिया गया, और ना और मेरी अम्मी की भी डेथ हो गई टेंशन में। अच्छा ठीक है, आप बिल्कुल भी दिल छोटा ना करें, हौसला रखें, और अल्लाह से बढ़ के तो कोई भी नहीं है, बस अल्लाह पे यकीन रखें, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मुश्किल आसान करेगा। मुफ्ती ज़ुल्फ़िकार हमारे साथ यहाँ मौजूद है, मैं चाहूँगी कि आप वो वजीफ़ा के बारे में बोल रही हैं। देखिए, वजीफ़ा से पहले मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि अभी थोड़ी देर पहले एक सेगमेंट के अंदर एक शेर का मिसरा था कि हिसाब होगा, जितने लोग इन बच्चियों के साथ ज्यादती कर रहे हैं इन्हें अल्लाह के हाँ जवाबदेह होने के लिए तैयार रहना चाहिए। और मैं एक बात बबांगे दोहल कहना चाहूँगा कि जितने लोगों ने इन बच्चियों के साथ ज्यादती की, चाहे वो इनके चचा हैं, चाहे वो इनके मामू हैं, चाहे वो इनके वालिद साहब के करीबी रिश्तेदार हैं, अल्लाह करे वो इस बात को सुन रहे हों, उन्हें इस बात को याद रखना चाहिए कि अदलो इंसाफ कयामत पर ही नहीं मौकूफ, ज़िंदगी खुद भी गुनाहों की सज़ा देती है। तो ये इतना बड़ा इन्होंने गुनाह किया कि इन बच्चियों को ख़ानदान से निकाल दिया, घर से निकाल दिया, ये अल्लाह जल्ला मजदुल करीम के गज़ब को दावत देने वाली बात है। अब रहा कि शादी का वजीफ़ा क्या है, तो शादी का बेहतरीन जो मैंने जो देखा है हमारे पास, चूँकि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हमारा ख़ानदानी काम है ये तावीज़ात वगैरह वाला, तो मैं ये इस बच्ची से ये कहूँगा कि रोज़ाना इशा की नमाज के बाद ऐसी जगह पर बैठ जाए जहाँ से कोई देख ना रहा हो, इसके दरमियान और छत के दरमियान कोई यानी आसमान के दरमियान बीच में कोई चीज़ हायल ना हो, यानी ऊपर छत ना हो, वहाँ बैठ जाए और वहाँ बैठकर 421 मरतबा हसबुनल्लाहु व निअमल वकील
इसका वजीफा पढ़े, 21 दिन तक पढ़े, इंशाल्लाह अल्लाह की जात पर कामिल नहीं बल्कि अकमल यकीन है, यानी मजबूत तरीन यकीन है कि किस दिन के अंदर इसका रिश्ता आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी आपा, मेरा तो दिल नहीं चाह रहा मैं आगे बढ़ूँ या कोई और सवाल करूँ। रमज़ान में और ये बच्ची इतनी प्यारी, तूबा कॉल आया था कितनी एनर्जी के साथ, और जब वो अपनी जो तकलीफ़ है वो बयान कर रही थी उसकी आवाज़ में हमें महसूस हो रहा था कि कितनी तकलीफ़ से गुजर रही है, और फिर माँ का भी साथ ना होना, माँ गुजर गई, मतलब इतने बेहिस लोग कैसे हो सकते हैं आपा? बेहिस लोग इसलिए होते हैं कि ना उनको अपने खानदान वाले आखिरत याद ही नहीं होती, उनको खुदा की ज़ात याद ही नहीं होती, इसी की वजह से वो किसी के ऊपर जुल्म करते हुए डरते नहीं हैं। और मैं इस बच्ची तूबा से ये कहना चाहती हूँ कि अल्लाह की ज़ात के ऊपर कामिल यकीन रखें, और रब्बुल आलमीन इंशाअल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा। इस वक्त को थोड़ा सब्र और ज़ब्त के साथ गुजारें, और रब्बुल आलमीन सारी मुश्किलात को आसानियों में तब्दील फरमा देगा। बिल्कुल, और मुझे लगता है हमें एक दुआ ज़रूर शामिल करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे दिलों पे मोहर ना लगाए, अल्लाह ताला हमारे दिल नरम करे, क्योंकि मुझे लगता है ये दिल सख्त हो चुके हैं कि अगर आपको अपने खून की आवाज़ नहीं आ रही, अपने खून का दुख दर्द महसूस नहीं हो रहा बाहर वाले, तो बात की बात है। और हम आपा, अफसोस की बात यह है कि हम बाहर वालों के लिए सबसे अच्छे हैं, हम हमारे हाथ खुले हैं, हमारे दिल खुले हैं, और जब अपने ख़ानदान की बात आती है तो हम छोटे हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल छोटे हो जाते हैं। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होंगे। Welcome back to Noor Rehman, इश्क़ रमज़ान मेरे साथ यहाँ शेफ समरीन मौजूद हैं, जिनके बगैर हमारा किचन का सेगमेंट देश बदेश खाने बिल्कुल इनकम्प्लीट है। तो चले अपने सेगमेंट की तरफ, चलते हैं देश बदेश खानों की तरफ। So we have Knorr chicken cubes with us today, और वैसे बड़ी मुश्किल आसान कर देता है, आपको भी पता है दाल में भी एक क्यूब डल जाता है, पास्ता के सॉस में भी क्यूब डल जाता है, इट एक्चुअली डज अ लॉट ऑफ वंडर्स हाँ टेस्ट, नो डाउट। और सनम आजकल चिकन जिस हिसाब से महंगी है, तो चिकन को कर दें बाय बाय, चिकन खत्म, क्योंकि 70 रुपये में आपको मिल रहा है क्यूब, बिल्कुल क्यूब, और वो आपको तकरीबन आप समझ लीजिए जो आज हम पास्ता बनाएंगे वो तकरीबन 8 servings होंगी, और आप ये देखिए कि एक 70 रुपये के क्यूब में आप 8 लोग पेट भर के खाना खा सकते हैं, और फुल फ्लेवर होगा उसमें चिकन का, जबरदस्त। ठीक है जी, तो मैं एक छोटा सा काम उधर से करके आ रही हूँ, आप जरा यहाँ आगे अपनी कहानी बढ़ाएं और देखिए क्या करें, लेकिन ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा बिकॉज मुझे भी सीखना है ये वाला। ओके बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने सबसे पहले ये किया है कि हमने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है, कौन सा कैमरा, यही वाला, ऑलराइट। तो जब हमने क्या किया है कि पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था, सबको आता है पास्ता बॉईल करना, हमने इस पानी के अंदर अभी कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ हम इसको बॉइलिंग वाटर पे ला रहे हैं, जैसे ही ये बॉईल होगा तो हम इसमें पास्ता बॉईल करेंगे। मीनवाइल हम क्या करते हैं, आ गई हैं सनम, अब हम बताएंगे। मैं आ गई हूँ, मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि ये जो क्यूब्स हैं, यकीनन आपको भी पता होगा पुलाव में भी इस्तेमाल होते हैं, बिरयानी में भी इस्तेमाल होते हैं, मतलब हर चीज़ में इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन अच्छा, इनके ना 2 flavors हैं अलग अलग, चिकन का अलग है और पुलाव वाला अलग है। एक्सेलेंट, जबरदस्त, यानी कि दोनों के डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हम अपना स्टार्ट करते हैं, जब तक ये पानी बॉइल हो रहा है। मीनवाइल हम क्या करते हैं कि हम इसका जो है सॉस रेडी करते हैं, इसके लिए हमने सिर्फ 1 tablespoon ऑयल डाला है। यहाँ टिप देती चलूं कि डायरेक्टली हम कभी भी बटर नहीं डालते, बहुत सारे लोगों को पता होता है, बट आई एम रिपीटिंग डायरेक्टली जी, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता बहुत सारे लोगों को पता होता है, कुछ कुछ को नहीं होता उनके लिए है। हम ऑयल पहले इसलिए डालते हैं सनम कि अगर हम डायरेक्टली बटर डालते हैं तो वो जल्दी से जलना शुरू होता है और अपना फ्लेवर लूज कर देता है, राइट। तो इसलिए हमने 1 tablespoon ऑयल डाला है, और उसके साथ अब हम इसके अंदर तकरीबन 2 tablespoon ऑफ बटर डाल रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ आपको, एक और बड़ा इकोनॉमिकल सा टिप दूँ मैं आपको। देखें, जैसे हमने यहाँ पे किन्नौर का क्यूब यूज़ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ चिकन, ठीक है जी। अगर हमारे पास गार्लिक ब्रेड नहीं है, आपको पता है अगेन दैट इज़ एक्सपेंसिव, तो व्हाट कैन यू डू इज़ आप अच्छे से शेप्स में सिंपल ब्रेड लें, उसको कटिंग कर लें। How cute, right? मैंने सिंपल कटर से कटिंग किया है, यहाँ रखा है कटर मेरे पास, मैं दिखा देती हूँ आपको। किसी भी शेप की आप ले लें, ये आराम से कुकी कटर ले लें, बड़े आराम से, बड़े चीप होते हैं, नहीं तो आपके घर में बहुत सारी बॉटल्स ऐसी होती हैं जिनके कैप्स डिफरेंट शेप्स के होते हैं, राइट। हम वो ले सकते हैं, और वो लेने के बाद हम उससे कटिंग कर सकते हैं, राइट। ये कटिंग करने के बाद हम जैसे वो बनते हैं ना क्रोटॉन्स बनते हैं सूप के लिए, तो वो हम करेंगे,
ठीक हो गया। क्रोटॉन्स की तरीके से हम इसको फ्राई करेंगे, ऊपर इसमें यही बटर वाला। जब तक हम इसको फ्राई करें, क्या मुझे इजाजत है कि मैं इसको बिल्कुल डालूं? बिल्कुल, लेकिन हम उससे पहले है क्या क्या करेंगे? एक ही बात है, कोई बात नहीं है। okay, जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, हाँ वो बाद में डाल सकता है। नमक जाएगा इसके बाद जाएगा, और हम सबको दुपट्टा ना चला जाए सनम। और फिर जी ठीक हो गया, इसमें दो चार रह गए, कोई बात नहीं है, दिखा दिया। इसका भी तरीका यही होता है कि हमने जो है इस तरफ रखना होता है, ताकि अगर कोई भी छींट आए तो वो हम पर ना आ जाए। हम पर नहीं, बहुत तेज है भैया आज टीवी वन, आप लोग ही, कोई बात नहीं है, आज बहुत तेज है। ये अच्छा है हमारे लिए, एक्चुअली क्या ये प्रोफेशनल कुकिंग हो रही है ना। हाँ जी। अच्छा, जब तक ये जो है हमारा बॉयल होगा, अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम इसमें डालेंगे कन्नौर का क्यूब, चिकन क्यूब, टू ऐड द फ्लेवर। हम इसके अंदर इसमें डाल रहे हैं, इसमें डाल रहे हैं, दोनों में डालेंगे, अभी इसमें नहीं डालेंगे। इसमें तो हम अभी गार्लिक सॉटे करेंगे। दो होते हैं, दो देखे ना, तो दोनों डाल देंगे हम बिल्कुल इसमें, क्योंकि मुझे एक बहुत अच्छा सा चिकन का फ्लेवर चाहिए। प्लस ये कि हमने पास्ता की जो क्वांटिटी ली है वो तकरीबन पूरा एक पैकेट है 400 ग्राम्स का। सही। अगर आपके पास आधा पैकेट है तो आप एक क्यूब भी डाल सकते हैं। ठीक हो गया, ये अब हम इसको इस तरह करेंगे। अच्छा, क्योंकि क्यूब में हमारे पास ऑलरेडी सॉल्ट होता है, जी हाँ, तो हम इसमें पास्ता में जो सॉल्ट ऐड करते हैं वो हम बहुत कम ऐड करेंगे। ठीक है, अभी हम कुछ ऐड नहीं करें। मीनवाइल हम ये करते हैं जनाब कि हमने इसके अंदर गार्लिक लिया हुआ है, हम इसको इसमें सौते कर रहे हैं गार्लिक को। ठीक है जी, बटर के अंदर अभी देखिएगा कितनी अच्छी सी खुशबू आई, खुशबू आ रही है ना। तमरीन जी, रेसिपी स्टार्ट नहीं हुई, खुशबू है खुशबू। बस जी देखें, बटर का और कनौर यू नो क्यूब का कमाल है ये, दोनों की मिक्स हो गई। प्राइस भी रीजनेबल है काफी। अगर टेस्ट आपने चीजों में लाना है, और अगर आप कच्चे कुक हैं जिसका जिसका खाना तक टेस्ट ही नहीं होता, बस कनौर के क्यूब्स डाल दें जी। और आप ये देखिए इतना हाइजेनिक है और इतना अच्छा ये ब्रांड है कि आप इस पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। बहुत पुराना ब्रांड है, बहुत पुराना। और आप ये देखें, आपकी वाली बात, जो कच्चे कुक्स हैं, आप इसमें दाल भी बना रहे हैं ना या कुछ भी बना रहे हैं, तो आप उसमें ये ऐड कर दें चुपके से, सब्जी में डाल दीजिए आप। अच्छा, आई लाइक दैट, आई लाइक द वे यू सेड चुपके से, चुपके से, चुपके से, ताकि किसी को पता ना चले, सबको लगे आपके हाथ का जायका। एग्जैक्टली, बेसिकली दिस इज द फ्लेवर एनहांसर, तो ये होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, हमारा ये पास्ता जो है ये बॉईल हो रहा है। जब तक ये हो रहा है मैं आपको ये भी बताती चलो, हम इसी के अंदर क्या करें कि सेंटर में रखिए, क्योंकि टाइम भी है और स्पेस भी है। हम इसी को, वैसे इसको हम डीप फ्राई भी कर सकते हैं क्रोसॉन्ट की तरह से, और अदरवाइज ये कि सेंटर में रखे हम इसको लाइट लाइट सा, इसको हम बिल्कुल जी जैसे हम शैलो फ्राई कहते हैं ना, हम इस तरह भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन हैं। वेट वॉचर्स के लिए ये वाला है, ठीक है ना, तो आपकी गार्लिक ब्रेड से जान छूट जाएगी। हाँ, है ना, दिस इज सच अ गुड आइडिया ना, कि आप रोज वही समोसे पकोड़ों से अच्छा कभी कुछ डिफरेंट डिफरेंट करते exactly. रहे इफ्तार की टेबल पे, ताकि लोग भी खुश होते रहे। और आप प्रेजेंटेशन अगर थोड़ी सी कर लेते हैं ना सना, मैं हमेशा एक बात अपने हर प्रोग्राम में कहती हूँ कि टेस्टिंग से पहले जो है ना आपकी आंखें खाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर चीज इज प्रेजेंटेबल तो डेफिनेटली वो स्लाइवर प्रोड्यूस होता है, एंड देन यू वांट टू हैव दैट फूड, तो उसके लिए ठीक हो गया। अच्छा, जब तक हमारा ये बॉईल हो रहा है, अच्छा एक चीज और इसके बारे में, भी तो बना सकते जब तक ये बॉईल हो रहा है, ये इसी में बनेगी व्हाइट सॉस जी, क्योंकि हमें, हाँ मैं आपको ये बता रही थी पास्ता के बारे में कि बहुत सारे लोग इसमें बॉइलिंग टाइम पर ही ऑयल ऐड कर देते हैं। ठीक है, बहुत मेजॉरिटी यही करती है, बट आई डोंट डू दैट। क्यों? इसलिए क्योंकि वो ऑयल आपका वेस्ट होता है। आप जब इसको स्ट्रेन करेंगे ना, स्ट्रेन करने के बाद जस्ट यू नीड टू पुट अप लाइक हाफ क्वांटिटी ऑफ ऑयल, जितना इसमें ऐड करें ना उसका हाफ, उसको आप हाथ से मिक्स करें तो आपका ऑयल सेव हो जाएगा, वेस्ट नहीं होगा। राइट, तो ये हमारा हो गया है। अच्छा जी, बाकी जो हम ब्रेक में करेंगे, सैंडविच भी इसके बना सकते हैं। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, मैं तो अलग दुनिया में चली गई हूं, अब स्टार चिकन सैंडविचेस की दुनिया में। बिल्कुल जी। अच्छा जी, हमारा ये देखें गार्लिक जो है ये सौते हो चुका है, थोड़ा सा मैं इसमें से निकालूंगी अपने लिए, इसके ऊपर लगाने के लिए गार्लिक को, ताकि हम इसकी टॉपिंग कर सकें, जो हमने बनाया है ना, वापस नहीं बनाना पड़े। एग्जैक्टली, देखिए ये वही वाली बात है, स्मार्ट कुकिंग है ना ये, कि आपने उसी में से थोड़ा सा निकाल लिया, एक ही दफा कर लिया ना। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, ये जो मशरूम्स है, क्या इसका भी कोई टेस्ट, मतलब ये पास्ता में एड ऑन करता है? बिकॉज मेरी बेटी मशरूम नहीं खाती है कभी, आई डोंट नो खाती है कि नहीं, लेकिन वो बहुत मां इसके अंदर ये वो करती रहती है। देखिए वेरिएशंस जो होती है ना, इट्स टोटली अप टू यू। अगर आपको ये नहीं डालना है तो आप इसके अंदर ऑलिव डाल दीजिए, आपको कुछ नहीं डालना है, आप सिंपल कर लीजिए। बट क्या इस मशरूम का भी फ्लेवर ऐड ऑन? अच्छा, बिल्कुल होता है। देखिए हर चीज हम लोग इसको सॉटे करके निकाल भी सकते हैं, अगर बच्चों को नहीं पसंद है मशरूम तो। राइट, ये हो गया हमारा। वाओ, इट स्मेल्स सो गुड समरी, या इट इज।
समरीन किचन में आती है और खुशबू की बहार हो जाती है। थैंक यू जी। अच्छा जी, हम इसको थोड़ा सा, अब इसमें देखिए सनम दो चीज़ें हैं, अगर आपको थोड़ा सा ये क्रंची पसंद है तो आप इसको क्या करेंगे, थोड़ी ज़्यादा इसको जो है इस स्टेज पे इसको ज़्यादा पका लेंगे, थोड़ा सा फ्राई ज़्यादा करेंगे ताकि थोड़ा क्रंची हो। बट इफ़ यू वुड लाइक टू हैव सम यू नो सॉफ्ट फ्लेवर और सॉफ्ट टेस्ट, बहुत से लोगों को क्रंची नहीं पसंद, तो आप इस स्टेज पे आके करेंगे। ठीक है जी, अब वाइट सॉस के लिए हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको बिल्कुल स्लो डाउन करेंगे। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास ये है क्रीम चीज़ मज़ेदार सी, ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ज़रा कैमरामैन से बात करके, बिल्कुल जी बिल्कुल, हमने इसके अंदर क्रीम चीज़ ऐड की है, थोड़ी सी हम बचा रहे हैं यहाँ पे क्रीम चीज़ टॉपिंग के लिए। ऑल राइट, इसके साथ हमने लिया है यहाँ पर 1 कप क्रीम, वो हमने ऐड कर दी इसके अंदर। ओके, अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं अच्छी तरीके से। अच्छा, क्योंकि हमने क्या किया था कि हमने इसमें अपना चिकन क्यूब इसमें ऑलरेडी ऐड किया हुआ था और 2 डाले थे। मैं गई थी, मैं चली गई थी, क्या क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ सनम, हम आपका वेट कर रहे थे, हमने इसमें सिर्फ क्रीम चीज़ ऐड की। सही, क्रीम चीज़ के साथ हमने इसके अंदर जो है जो क्रीम होती है वगैरह नहीं डलती, बिल्कुल वो टॉपिंग पे करेंगे ना हम, बट बेसिकली जो इसका बेस है वो क्रीम चीज़ है, क्रीम चीज़ है, क्रीम है, वो बड़ा अच्छा सा स्मूथ सा टेक्सचर। जो लोग करते हैं ना कॉर्नफ्लावर और आटा, ये सब वाली चीज़ नहीं करनी, नहीं 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 वो नहीं करनी पड़ेगी आपको, ऑब्वियसली आपने क्रीम डाल दिया ना स्मूथ टेक्सचर आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ हम क्या करेंगे सनम, हाँ। ये हमारा पास्ता जो है ऑलमोस्ट हो गया बॉईल, हम इसको ज्यादा जो है ना बॉईल इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमें थोड़ा सा क्रंची रखना है। सही है, जब भी हम वाइट सॉस पास्ता बनाते हैं हाँ। तो हम उसको थोड़ा सा क्रंची रखते हैं पास्ता को, वजह ये है क्योंकि ऑलरेडी सॉसी है ना, जब पास्ता इसमें ऐड करेंगे तो ये और ज्यादा इसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा और प्लस ये कि इसका क्रंच भी खत्म होगा। ठीक है, अच्छा मीनवाइल मैं टेक ओवर करती हूं इधर, आप ऐसा करें अपने हाथ धो ले, बिकॉज़ आई नो आपके हाथ थोड़े से, बिल्कुल ठीक है, मैं ये निकाल लूं पहले, उसके बाद होंगी ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा कि एक ही दफा हो जाए, बिल्कुल ठीक है। अब हमने क्या किया कि ये जो हमने पास्ता है, वैसे तो हम इसको ड्रेन आउट करते हैं सिंक में, लेकिन आज हमें एक मैजिक करना है, वो मैं बताती हूँ कि क्या। इसको इसमें नहीं डालेंगे आप? एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे हम, लेकिन अभी हम थोड़ा सा इसको निकाल रहे हैं बाहर, फिर हम इसका जो सॉस है ना, ये इसको एज अ सॉस फ्लेवर एनहांसर वो हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, ठीक हो गया जी, आई विल डू दिस, डोंट वरी, मैं ये कर लेती हूं, काफी काफी अच्छा खासा निकल गया, लेकिन अगर आप मुझे बिजी करना चाहती हैं मैं कर लेती हूं, बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम एनी टाइम। आप नहीं समरीन, आप जाके अपने हाथ धो ले, मैं आपको कह रही हूं फाइन, क्योंकि मुझे आगे भी बढ़ना है। ऑलराइट, बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। चले जी, हमारे पास यहाँ मौजूद है डेटॉल, जो हमें 5 सेंटीग्रेड हमें कूलिंग इफेक्ट देता है, और क्योंकि इसमें मेंथॉल बर्स्ट है। एग्जैक्टली, और जब तक ये बर्स्ट नहीं, जब भी मैं सोचूं आज मुझे किचन में मज़ा क्यों नहीं आ रहा काम करने में, क्योंकि आज मैंने स्टार्ट नहीं किया ना, देखें अब आ गई ना वो वाली बात, ओहो जबरदस्त, और 99.9% जर्म्स का खात्मा। यूजली ज्यादातर घरों में डिटॉल का हैंड वॉश ही इस्तेमाल होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। इंटरेस्टिंग बिट इज के ये मेंथॉल बर्स्ट के साथ है। अच्छा बाय द वे, अब ब्रेक का वक्त हो गया तो हम ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, लेकिन अभी मेन चीज ऐसी कुछ हुई नहीं है जो आप मिस करने वाले, तो हम वापस आते हैं, आप लोग कहीं में जाएगा, देखते रहिए नूर रहमान इश्क रमजान। बैक, और इस वक्त हो ये रहा है कि किन्नौर की तरफ से हम बना रहे हैं पास्ता, बहुत व्हाइट सॉस पास्ता, मज़ेदार व्हाइट सॉस पास्ता यूजिंग किन्नौर के चिकन क्यूब्स, और हम कहाँ तक पहुँचे हैं? हम बस वेट कर रहे थे कि ब्रेक से वापस आए, तो पहले आ गए ना, तो बस हमने सोचा ब्रेक में हम एक और काम कर रहे हैं कि जी हमने सोचा कि हम अपने जैसे क्रोटॉन्स बनते हैं हम वो बना लें, तो इट्स ऑलमोस्ट डन, हम इसको रखते हैं नीचे, मतलब और मैं अपना समरीन के पीछे पड़ी हूँ कि समरीन छोड़ दो हम वापस आ रहे हैं, छोड़ दो नहीं, लेकिन नहीं समरीन लगी हुई है। मैं चाह रही थी हम ऑन एयर अपने व्यूअर्स को सब दिखाएं कि हम कर क्या रहे हैं, राइट। अच्छा जी, मैं एक बात बता दूं, ये जो तेल वाला घी, गरम घी मेरे ऊपर गिरना नहीं चाहिए, गरम तेल, डोंट वरी, जो क्रोटॉन वाला नीचे आपने पैन रखा है ना, देखिए मेरी साइड पे वो, देखिए As long as वो उधर है कोई बात जी, ओके। अच्छा जी, हमने क्या किया था कि हमने इसमें डाला था किन्नौर चिकन क्यूब, मैं रिपीट कर देती हूँ, ये बॉइलिंग वाटर था, हमने इसके अंदर नमक नहीं डाला था क्योंकि ऑलरेडी क्यूब में हमारे पास सॉल्ट होता है। अब हमने उसके अंदर क्या किया कि हमने पास्ता बॉइल किया, थोड़ा सा क्रंची रखा है क्योंकि जब ये इसके अंदर जाएगा सॉस में तो ये और सॉगी होके बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ओवर कुक भी हो जाता तो बुरा लगता है ना, वो बहुत वॉटरी सा हो जाता है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये मैजिक कर रहे हैं कि ये व्हाइट सॉस को डाइल्यूट करने के लिए, पतला करने के लिए इसी का स्टॉक यूज कर, बिल्कुल इसी का स्टॉक हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इसकी जो गजाइत हमारी पास्ता की वो, प्लस ये कि किन्नौर चिकन क्यूब का जो बड़ा मज़ेदार सा फ्लेवर है वो भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाए। अच्छा, ये हो गया। लिसन समरीन, आपने तो बस इस
उसमें थोड़ा सा तेल स्टार्ट में डाला, फिर आपने बटर डाला, उसके बाद फिर आपने ये गार्लिक डाला, एंड देन आपने ये मशरूम्स डाले, फिर आपने वो जो क्रीम चीज होती है वो डाली, और क्रीम भी डाली, और क्रीम भी डाली, फिर मतलब और अब आगे क्या होगा? बस अब आगे ये होगा कि अब हम इसके अंदर थोड़ा सा सीजनिंग ऐड करेंगे। सॉल्ट मैं ऐड बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, वजह उसकी है कि ऑलरेडी तीनों चीजें क्रीम चीज भी सॉल्टी है, ये मतलब ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर है, एंड दिस इज इट। यस, देखिए सो सिंपल। इसमें भी जाएगा किनोर का क्यूब की जरूरत नहीं है, बिकॉज़ ऑलरेडी नहीं है, ऑलरेडी हमने डाल दिया ना स्टॉक, राइट? अगर आपको और ज्यादा चिकन फ्लेवर पसंद है तो यू कैन ऐड मोर, ठीक है, क्योंकि डाइल्यूट हो चुका है इसके अंदर किनोर का, तो इसी को आप इस्तेमाल कर लें, अच्छी तरह से अब्सॉर्ब हो चुका है। अच्छा जी, अब आप क्या कर रहे हैं कि आपने जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो आपने अपने हिसाब से रखनी है कि आपको थिक पसंद है या थिन पसंद है। ठीक हो गया जी, इसको मैं हाथ से कर लेती हूँ, ज़्यादा बेटर है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि जितनी कंसिस्टेंसी आपको रखनी होती है उससे कहीं ज़्यादा आपको ये ख्याल रखना होगा जी, आपको ये ख्याल रखना होगा कि थोड़ी सी ज़्यादा पतला रखना होगा उसको, क्योंकि इसलिए एग्जैक्टली सोक करता है, ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा थिक होगा। तो क्योंकि हमारे पास अभी हमने इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी थी तो मैंने इसके अंदर पूरा एड ऑन नहीं किया था, मैं थोड़ा सा इसमें ब्रथ और ऐड करूँगी अभी। अच्छा जी, बिल्कुल, ताकि इसका और यमी सा फ्लेवर आ जाए। ठीक है जी, इट्स ऑलमोस्ट डन। ठीक है जी, अब हम इसको करते हैं डिश आउट। एक्सेलेंट, हमारे पास डिश मौजूद है यहाँ, बड़ी अच्छी सी प्यारी सी, यहाँ रखते हैं हम, इधर ही रख लेते हैं, राइट? इसको हम डिश आउट कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद देखिए नीचे इसमें नज़र आ रहा होगा आपको वाइट सॉस ऑलरेडी है, बट हम इसमें थोड़ा सा एक और तड़का लगाएंगे। वो कैसे अभी बताते हैं। एक और तड़का लगाएंगे, एक और तड़का हम ऊपर से थोड़ा सा सॉसी सॉसी करने के लिए, क्योंकि मुझे जो है ना सॉस पसंद है, सॉस पसंद है थोड़ा ना लिक्विडी रनी रनी से। अच्छा देखिए, अभी टाइम वैसे कम है तो मुझे लगता है कि उनको घर पे सॉसी सॉसी करने दे। बिल्कुल, ये हो गया हमारा, हो गया जी बिल्कुल। ये देखिए आपने ये क्रोसॉन्ट यहाँ पे रखे इसके साथ, राइट? और थोड़ा सा आपके पास अगर पार्सले नहीं है तो आप इसको हरा धनिया से इसके अंदर इसको गार्निश करें, थोड़ा सा इसके ऊपर आप क्रीम चीज डालें और थोड़ी सी आप इसके ऊपर क्रीम डाल दें। अच्छा, इस तरह आप कह रही होगा। जी, okay, जी, जी, lovely, जी, lovely. जी, मुझे लगा फिर चूल्हा स्टार्ट होगा। नहीं, this is just for garnishing. Lovely, thank you so much, Sabreen. This is lovely. तमाम देखने वालों को बताती रहूं कि ये किनोर के चिकन क्यूब्स हमने इसमें इस्तेमाल किए और ये किनोर की ही रेसिपी, और अब आप अपनी स्क्रीन पे एक रेसिपी देख पाएंगे किनोर की तरफ से। इफ्तार की टेबल सेट करके हटी ही थी कि बच्चों ने शोर मचा दिया कि इस दफा मेरा व्हाइट सॉस पास्ता अभी तक नहीं बना। अब क्योंकि घर में चिकन भी नहीं था तो आज सोचा आई सेव माय इफ्तार विद किनोर। सबसे पहले जाके कबर्ड से निकाला अपना फ्लेवर पार्टनर किनोर चिकन क्यूब्स। पॉट में पानी बॉईल किया और दो किनोर चिकन क्यूब्स डाल के उसमें पास्ता कुक होने के लिए रख दिया ताकि पास्ता में चिकन का फ्लेवर खुद ही ऐड हो जाए। नॉन स्टिक पैन में बटर और ऑयल डाला और उसमें स्लाइस मशरूम्स को क्रश गार्लिक के साथ सौते कर लिया। जब मशरूम्स अच्छे तरीके से सौते हो गए तो उनमें क्रीम चीज, क्रीम और किनोर चिकन क्यूब से फ्लेवर किया हुआ पास्ता वाटर ऐड किया। जब इस सॉस का टेक्सचर थिक हो गया तो इसमें क्रश्ड ब्लैक पेपर ऐड कर दी और फिर इस सॉस में पास्ता ऐड कर दिया। डिश आउट करके पार्मेसान चीज, गार्लिक ब्रेड और चॉप्ड पार्सले के साथ गार्निश किया और यूं मैंने तो कर ली किनोर की मदद से सेव माय इफ्तार। जी जनाब, इस वक्त हम रू अफजा के काउंटर पे हैं और कुछ बनाने वाली हैं समरीन रू अफजा से। और रू अफजा ऐसा ड्रिंक है जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पूरे साल इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल जी, ये तकरीबन 110 कंट्रीज़ में जो इस्तेमाल किया जाता है और ये बड़ा रिफ्रेशिंग ड्रिंक होता है। इसको पीते ही हमारी जो पूरे दिन की थकन होती है और इफ्तार में क्रेविंग हो रही होती है, प्यास लग रही होती है, वो हमारी जल्दी से उसको ये सेटिस्फाई कर देता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर बल्कि नहीं, हम सबसे पहले लिक्विड चीज़ डालते हैं। ये भी मैं टिप दे दूँ। अच्छा। कि जी जूसर में आप जब भी कभी कुछ बना रहे हैं तो उसमें हमेशा स्टार्ट कीजिए लिक्विड चीज़ से। वैसे बना क्या रहे हैं लेकिन? आज हम बना रहे हैं सनम, देखिए ये था दही। हाँ। ठीक है, दही में जब भी एक स्मूदी सनम अच्छी हो गई, बनाती हूँ यही तो है जो मैं बनाती हूँ। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, थोड़ा सा हम इसको डाइल्यूट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास दही जो है वो काफी ज्यादा थिक है, तो हम क्या करें कि इसके अंदर थोड़ा सा हम मिल्क भी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ताजगी के ठंडक के लिए बेहतरीन। बिल्कुल, और आप ये रूअफजा के साथ, बिल्कुल जी, इसमें कैल्शियम भी मिल रहा है। और आप ये देखें, जब आप रूअफजा यूज कर रहे हैं तो आपको शुगर यूज करने की जरूरत नहीं। ये मेरा बड़ा बैड एक्सपीरियंस है, मुझसे खुलती नहीं है बॉटल कभी भी। ओहो, बट ऐसे ना मुझसे ना कभी भी डोर्स जो होते हैं ना, डोर्स वो भी नहीं खुलते। मैं हूँ ना, मैं हूँ, तो आपको क्या टेंशन है? मतलब यू आर मोर एनर्जेटिक एंड पावरफुल देन मी। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह।
हम इसमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, तकरीबन अंदाजे से मैंने डाला है, ये तकरीबन हम दो ग्लास बना रहे हैं, तो हमने इसके अंदर 4 टेबल स्पून रू अफ़ज़ा ऐड किया है। ठीक है, चीनी तो आप, आई डोंट नो, उलमा हज़रात देते हैं इजाज़त चखने की अगर आपके शोहर गुस्से वाले हो तो, है ना मुफ्ती साहब, आपने कहा था शरबत चखने की इजाज़त, अच्छा खाना चखने की है। ठीक है जी, लवली कलर, देखिए सर बनाना की वजह से हमें जिंक भी मिल रहा है, राइट, और उसके साथ हमें पोटेशियम मिल रहा है, एग्जैक्टली कैल्शियम मिल गया, मिल से आप तो देखिए इसकी इफ्तार के लिए या सहरी के लिए, बल्कि सहरी के लिए कितने ही अमेजिंग ड्रिंक है, आप बनाइए, मैं होती ना तो मैं इसको पॉपसिकल्स बना देती अलाय के लिए, क्या बात है, मजे से निकालती है और मैं सुबह सुबह उसको देती, ये लो लाया, व्हाई नॉट, बच्ची भी खुश और अम्मी अम्मा भी खुश, खुश दोनों खुश, दोनों खुश, जबरदस्त। तो ये हमारी बनाई है हमने बनाना रू अफ़ज़ा स्मूदी बनाई है आज हमने, जो आज की हमारी रेसिपी थी रू अफ़ज़ा के साथ। 110 साल पुराना है ये ड्रिंक रू अफ़ज़ा, और जो हमारे बड़े उनके भी बड़े ये पीते आए हैं, और मेरे ख्याल से ये एक एक ट्रेडिशन सा हो गया ना कि इफ्तार पे ये वाला ड्रिंक होना लाजमी है, और काफ़ी टेबल्स पे काफ़ी आपके दस्तखवा पे होता है, और इसके साथ क्योंकि आप इतने अच्छे, देखिए आसान नहीं होता है, इस वक्त 6 बज रहे हैं ना सुबह, शफी साहब 6 बज रहे हैं ना, 6:15 हो रहे हैं, ठीक है, तो इस वक्त ये सब बनाना आसान नहीं होता, और अब इतनी प्यार से इतनी खूबसूरती से सब कुछ कर लेती हूँ, ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस, तो मैं आपको एक तोहफा देना चाहती हूँ, पाकिस्तान नंबर 1 पिज्जा ब्रांड की तरफ से जनाब आपके लिए ये वाउचर है पिज्जा मैक्स की तरफ से। वाओ ग्रेट, थैंक यू सनम, यानी कि आज ही मेरी इफ्तारी आपने जाना है। मैं आपको एक ग्लास रू अफ़ज़ा हाथ में दे दूंगी, आप ये लेके गाड़ी में रू अफ़ज़ा पिज्जा होगा उस वक्त, अरे भाई जब रोजा खुलेगा, आप जब जाती हैं तो रास्ते में नहीं खुलता आपका रोजा। मैं देखिए लंबा सोचती हूँ आगे की, थैंक यू सो मच, इसके साथ हम इस तरफ आते सेट पे, मेरे साथ सुमैरा शफी मौजूद है, सुमैरा आपसे कलाम की फरमाइश है, आज कौन सा कलाम सुना रहे हैं आप? सामने पेश कर रहा हूँ, समाप्त फरमाइए जी। हुजूर में बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार बेकरार था, मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे बार बार आप। नूर रहमान
इश्क रमज़ान में खुश आमदीद। और अब मुझे पता है कि सारे बच्चे टीवी स्क्रीन के सामने आ गए होंगे क्योंकि वक्त आया है हिकायत अम्बिया का। तो चलते हैं हिकायत अम्बिया की तरफ। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती हुसैन अहमद आसफी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, सारे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी जो आपके साथ हैं और वो भी जो स्क्रीन के सामने हैं। तो आज हम क्या कर रहे हैं सबको बताएं? आज हम इंशाल्लाह ताला हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करेंगे, इंशाल्लाह बच्चों के साथ शेयर करेंगे कि उन्होंने किस तरह उनकी कुर्बानियाँ हैं और किस तरह उन्होंने उनको नबूवत इतना बड़ा मकाम मिला, कैसे इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम किस्सा पढ़ेंगे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। किसका? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला के पैगंबर थे, अल्लाह ताला के नबी थे, उनके बेटे थे। ठीक है, किनके बेटे थे? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे। कितने भाई थे? 11 भाई थे। तो उसमें एक उनका छोटा भाई था, बाकी सारे बड़े थे। जो छोटा भाई था उनका नाम था बिन्यामीन। और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने वालिद को, अपने अब्बू को बहुत प्यारे थे, अब्बू उनसे बहुत प्यार करते थे। और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत थे और वो अपने अब्बू से भी बहुत प्यार करते थे। तो उनके जो बाकी भाई थे तो वो चाहते थे कि हमारे अब्बू इनसे इतना प्यार क्यों करते हैं, तो उनको बर्दाश्त नहीं होता था। वो कहते थे कि हमारे अब्बू इनसे ज़्यादा प्यार क्यों ना करें। तो वो आपस में बैठते थे, फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम भी ख्याल रखते थे कि वो उनके जो भाई हैं वो इनके इस पर गुस्सा ना करें, इन पर इनको कोई नुकसान ना पहुंचाएं। तो वो फिर भाइयों जो वो भाई थे उन्होंने मिलकर एक वो प्लान बनाया, एक जो है वो मीटिंग की, एक आपस में मिलके बात की कि किसी तरह हम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ पहुँचाएँ कि वो हमारे अब्बू उनसे ज़्यादा प्यार क्यों करते हैं। तो उन्होंने आपस में मशवरा ये किया कि हम जो है वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने साथ किसी बहाने लेकर जाएंगे, बाहर लेकर जाएंगे और इसको या हम किसी मार देंगे या कुछ और किसी कुएं में फेंक देंगे। तो उनमें से एक भाई ने कहा कि इनको ऐसा करते हैं, हम जहां जंगल में अपनी बकरियां चराने जाते हैं वहां करीब में एक कुआं है, वहां पर हम इनको कुएं के अंदर डाल देंगे। तो ये अबू उनसे फिर प्यार नहीं करेंगे, वो चले जाएंगे यहाँ से कुएं में, फिर इनको कोई आएगा वहाँ से कुएं से निकाल कर ले जाएगा, बस ये दूर भी चले जाएंगे और हमारा काम, हम अबू भी इनसे प्यार नहीं करेगा। तो ये हुआ कि फिर उन्होंने अबू से इजाज़त ली कि हम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जो है बाहर अपने साथ खेलने लेकर जाएं। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे ख़तरा है कि आप इसको नुकसान ना पहुंचाओ, वहां पर आप अपने खुद आपस में खेलोगे, ऐसा ना हो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कोई भेड़िया आकर खा जाए, तो ये मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर उन्होंने बहुत मिन्नत समाजत की हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को कि नहीं अब्बू जी हमें छोड़ें, हम उनको अपने साथ ले जाएंगे बाहर, जैसे बच्चे जाते हैं ना पिकनिक पे, उन्होंने कहा कि हम इनको अपने साथ पिकनिक पे ले जाएंगे। तो वो इजाज़त मांग रहे थे, हमारे यहाँ हम जब जाते हैं ना तो स्कूल की तरफ से या किसी की तरफ से क्या करते हैं, अब्बू से इजाज़त लेते हैं ना पिकनिक पे जाते हैं, किससे इजाज़त लेते हैं? अपने अब्बू से इजाज़त लेते हैं कि हम फलां जगह जा रहे हैं फलां के साथ। तो उन्होंने इजाज़त मांगी, क्या मांगी? इजाज़त मांगी कि हमें जो है वो अपने साथ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी इजाज़त दें लेकर जाएं। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे ख़तरा है कि आप जो है वो बच्चों को नुकसान न पहुंचाएं। तो उन्होंने कहा कि आपके जो बिन्यामीन है, जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे थे, उनके साथ बहुत मोहब्बत करते थे, आपस में खेलते थे, तो उन्होंने कहा कि इनको भी हम साथ लेकर जाएंगे। तो हुआ ये, फिर वो अपने साथ उन सबको लेकर गए। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब वहाँ पर उनके साथ लेकर गए तो उन्होंने पहले से एक प्लान बनाया हुआ था कि इनको तो हम कुएं के अंदर वो डाल देंगे। अब हुआ ये कि वो उन्होंने आपस में मशवरा किया और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की कमीज़ जो थी, जो शर्ट थी, वो उन्होंने उतार दी और उनको जो है वो कुएं में डाल दिया। क्या किया? कुएं में डाल दिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह ताला के आगे जो है वो उनके नबी बनने वाले थे, तो अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत फरमाई। क्या फरमाई? हिफाजत फरमाई। तो उनको नीचे वो कुएं में आराम से वहाँ जाके बैठ गए, ठीक है, उनको कोई तकलीफ़ नहीं हुई। तो फिर ये हुआ कि वहाँ पर इन्होंने क्या किया, अब अब्बू को क्या बताएंगे, हमने तो इनको कुएं में डाल दिया, अब्बू को क्या बताएंगे? तो उन्होंने क्या किया कि एक भेड़िया ज़बह किया, एक भीड़ ज़बह की, ठीक है, उसका क्या किया कि उसकी जो खून था वो उस कमीज शर्ट को लगाया ताकि हम बता सकें कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भेड़िया आकर खा गया, हम खेल बहाना बनाया।
तो वो उन्होंने उस खून उठा के उसमें कमीज में लगाया, उसके अंदर लगाया, तो फिर वो लेकर गए गए रोते हुए गए, ओ जी ये हो गया, जुल्म हो गया, हमारे भाई चले गए। तो वहाँ पहुँच गए तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बड़ी उम्र के थे, बूढ़े शख्स थे, अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। तो उन्होंने सुन के बड़े हैरान, उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि अबू हम खेल रहे थे और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमने अपने जो है वो सामान के साथ बिठाया, और वहाँ पे जो सामान के साथ बिठाया तो वो वहाँ पे कोई भेड़िया आकर आ गया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खा गया। ये देखो ये हम कमीज लाएँ तो ये जो है कमीज इसमें खून लगा हुआ है। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत बहुत रोए, बहुत जो है वो उन्होंने कहा ये ऐसा नहीं हो सकता है, और फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह मेरी इस मामले में मदद फरमा। अल्लाह ताला ने उनको अपने दिल में डाला कि हम आप सब्र करें, इंशाल्लाह हम एक दिन आपको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ ज़रूर मिलवाएंगे। फिर ये हुआ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, फिर एक पहले ज़माने में ये होता था कि ये रोडें तो नहीं होती थी, जहाज़ भी नहीं होते थे, बड़ी बड़ी बसें भी गाड़ियाँ भी नहीं होते थे, लोग पैदल सफ़र करते थे। क्या करते थे? पैदल सफ़र करते थे। तो काफ़िले की सूरत में आते थे, वहाँ से एक काफ़िला था वो आ रहा था मिस्र से, मिस्र की तरफ जा रहा था। तो अब वहाँ पे जो उन्होंने जंगल में रुक गए, अब उनको प्यास लगी पानी की। क्या लगी? प्यास लगी पानी की। तो उन्होंने एक शख्स को भेजा कि आप जाएँ यहाँ को कुआँ तलाश करें, वहाँ पे उनसे पानी निकाल के लें, हम पानी पिएँ, प्यास लगी है। तो वो जो शख्स गया वहाँ पे कुएँ के अंदर, उन्होंने डोल डाला, पहले डोल होते थे कुएँ के अंदर, बाल्टी समझ लें, बाल्टी के ज़रिए वो पानी निकालते थे। जब उन्होंने बाल्टी अंदर डाली तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बैठे होते थे, तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि आप इसमें बैठ जाएं। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस बाल्टी के अंदर उसके अंदर बैठ गए। तो वहाँ पे ये हुआ कि उन्होंने जैसे उठाया तो वो बहुत भारी हो गया, अब वो उठाया नहीं जा रहा था, उसने बड़ी मुश्किल से उठाया तो उन्होंने देखा ये तो बहुत खूबसूरत प्यारा सा बच्चा है, फिर उसको अपने साथ लेकर गए। तो प्यारे बच्चों ये है जो अल्लाह के नबी होते हैं, जो अल्लाह का पैगाम लेकर आते हैं, तो उनको तकलीफ़ें होती हैं, उनको तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती है, और उनके साथ जो है उनके बहुत सारे लोग उनके साथ जो है मुख्तलिफ रवैया अपनाते हैं, ठीक है। तो जो अल्लाह ताला की राह पे चलता है तो उनको मुश्किल आती है। थैंक यू सो मच मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों समझ आए, कोई सवाल है आप लोग के पास? पूछें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम क्यों मशहूर थे? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर थे, वो बहुत खूबसूरत थे, अल्लाह ताला ने उनको बहुत हुस्न दिया था, इसी वजह से वो मशहूर थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या ख्वाब देखा था? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना ख्वाब देखा था कि मुझे जो है वो चांद और तारे सजदा कर रहे हैं, ठीक है। वो फिर उन्होंने अपने वालिद साहब को बताया, अब्बू को बताया, तो उन्होंने अब्बू ने कहा कि ये अपने भाइयों को नहीं बताना, तो ये आपको बहुत बढ़िया मर्तबा मिलेगा, बहुत बड़ी बादशाहत मिलेगी, इसका ख्वाब का मतलब ये। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो ख्वाब अपने भाइयों को बता दिया, बच्चे थे उनको पता नहीं था ना, तो उन्होंने अपने भाइयों को जो नहीं बताना चाहिए उन्होंने बता दिया, तो उन्होंने वो किया। जी हाँ बताओ, बोलो बोलो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद तदान है। जी जी मोहम्मद तदान है। बोले बोले, आपको आपको इतनी तकलीफ में क्यों नहीं है? जी बच्चे सवाल कर रहा है कि आप यानी हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम की इतनी तकलीफ़ें क्यों आईं? बहुत अच्छा सवाल किया बच्चे ने माशाल्लाह। तो जो अल्लाह ताला के नबी होते हैं उनको इस तरह की तकालीफ लोग देते हैं, आजमाइशें आती हैं, वो अल्लाह का पैगाम लेकर आए थे, इसलिए उनका जो अल्लाह का अल्लाह के नबी थे तो इसलिए उनको इतनी तकलीफ़ें आईं। ठीक है जी, मेरे ख्याल से अब सवाल जवाब का टाइम ख़त्म, और होपफुली सामने स्क्रीन पे जितने भी बच्चे उनके जहन में भी ये सवाल चल रहे होंगे, और हमारे बच्चों ने उस सवाल के जवाब मुफ्ती साहब से ले लिए। मुझे कोई एक हेल्प करेगा, बिकॉज़ मेट्रो फूड्स की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर्स सारे बच्चों के लिए हैं जिसमें मज़ेदार स्नैक्स हैं, क्योंकि आप लोग अच्छे बच्चे हैं, गुड बच्चे हैं ना, तो आपको मेट्रो फूड्स बहुत अच्छा सा गिफ्ट हैम्पर देना चाहते हैं। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? सबको गिफ्ट देने तो इश्क का अपना भी लो और उनका भी साथ लेके जाओ, ठीक है क्यूटी बाय। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती हुसैन साहब आपका, बहुत अच्छे से आपने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो स्टोरी है, जो कहानी है, वो हमें बताई। इसके साथ हम वापस आते हैं सेट पे। ओह वाओ, ज़बरदस्त, बिनोरिया रेस्टोरेंट की तरफ से इफ्तार ऑलमोस्ट क्या टोटली तैयार है, बस अज़ान मगरिब का इंतज़ार है। लेकिन इससे पहले कि हम अज़ान मगरिब की तरफ बढ़े, मेरे ख्याल से मेरे पास कितना वक्त है टीम, क्या मेरे पास वक्त है? बिल्कुल वक्त है, तो मैं दरख्वास्त करूँगी सुमेर से कलाम की, बल्कि इनफैक्ट लास्ट टाइम सुमेर ने पढ़ी थी, तो इस दफ़ा वलीद आपसे दरख्वास्त करता है। दुआए कलाम मैं
होशे गुजार करने लगा हूँ आप सबके। اللهم صل على سيدنا محمد کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کیسے تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر مریضوں کی خاطر شفا مانگتا دعا مانگتا ہوں وطن کے بھڑکتے شرارے بجھا دے اسے تو قوت کا گلشن بنا دے وطن کے بھڑکتے شرارے بجھا دے اسے تو قوت کا گلشن بنا دے میں امن و امان کی رضا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا دعایا کلام پیش کیا ولید نے اور اب دعا کی بات ہو رہی ہے وقت بھی قریب آ رہا ہے تو مفتی صاحب دعا کی درخواست ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا القوۃ المتین ہم سب کے آج کی اس روزے کو شرف قبولیت عطا فرما اے پاک پروردگار اس رمضان المبارک کو تیری رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین ہمارے والدین کی بخشش و مغفرت فرما ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما جن کے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو قبر کی منازل میں آسانی عطا فرما اے پاک پروردگار جو لوگ اپنی افطاریوں پر ہماری آہٹ کے منتظر ہوتے ہیں ہمیں ان کی مدد کرنے کی ان کی امداد کرنے کی اور ان کے دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرما اے پاک پروردگار اپنے غریب پڑوسیوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین امت مسلمہ کے حال زار پر رحم فرما میرے ملک پاکستان کی خیر فرما میرے ملک پاکستان کی خیر فرما اس کے ہر ہر شہر کی خیر فرما میرے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہم سب کو اس رمضان المبارک میں مدینۃ المنورہ اور مکہ المکرمہ کی زیارت نصیب فرما بار بار مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی با ادب حاضری نصیب فرما
या रब्बल आलमीन या रहमान रहीम, जो लोग हमारे साथ इस दुआ में शरीक है, जिसके दिल में जो नेक तमन्ना है, सबकी नेक तमन्नाओं को पर आवरी अता फरमा, मुश्किलात से निजात अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिक या रहमान रहीम। आज की जो इफ्तार की नशरियात है, इफ्तार की ट्रांसमिशन नूरुल रहमान इश्क रमज़ान, उसमें हमारे साथ सेवन अप, जाम शीरीन, रू अफ़ज़ा, पेप्सी, नॉर, बिनोरिया रेस्टोरेंट, और आई होप मैं कुछ भूल नहीं रही हूँ, कोलगेट मिसवाक ने तावन किया है, डिटॉल ने तावन किया है, हमारा साथ देने का शुक्रिया, ये ट्रांसमिशन मुमकिन बनाने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ वक्त हुआ है कि हम ब्रेक की तरफ बढ़ें। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे सेट पर, तो अजान मगरिब के साथ लौटेंगे, और इस नशरियात के बाद यानी इफ्तार नशरियात के बाद आप लोग देख पाएंगे तफसीर कुरान, एंड उसके लिए आप लोग जस्ट स्टे ट्यून्ड टू TV1 नूर रहमान इश्क रमज़ान में। वक्त हुआ है ब्रेक का। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول Yeah.